Hello to everyone. Good afternoon. Hello. Am I good audible afternoon, to everyone? everyone? Am I Good audible to afternoon. everyone? Am I audible? Am I visible to everyone? Good afternoon, Nitin. Jyotsna, hi. क्या बात है. सागरिक इज ऑल्सो योर, दिव्या इज योर. सुपर सुपर सुपर. तो मैं दिखे बोलू, मैं सुने बोलू, सबको परफेक्ट. यस, ठीक है. दोस्ती का सैटेलाइट, क्या बात है. आई लव दैट नेम. ओके रोशनी, हाय बच्चा. शफिक निसा, क्या बात है. आयुष कुमार इज लाइक भूत, ठीक है. ओके देन 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 प्रियांशी इज योर. गुडी गुडी नून, ठीक है. गुड आफ्टरनून बच्चा. श्रुति, डॉक्टर ध्रुव, ज्योत्सना सिंह, ठीक है. अरशद अली, श्री, अरे श्री शीर्षा, शीर्षा इज ऑल्सो हियर. गंगा जमुना, अरे बाप रे, क्या क्या नाम रखे, मेरे को अच्छे लग रहे. लेकिन मानसी शर्मा, गुड आफ्टरनून. एम द एम्स, ओके हेलो एम द एम्स. अदनान खान, अदनान खान, हाँ जी, रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर. अदनान जी, आप क्रैश कोर्स बैच में थे, थोड़ा सा हिंट दे दो. कुणाल इज हियर, बापरे, ठीक है. आई एम ऑल गुड. आयुष, हाउ आर यू. सौभाग्य इज हियर, प्रज्वल इज हियर, कितने सारे लोग आए हैं. सुपर सुपर सुपर. ओके विजय पासवान, अरे बापरे, ये सरनेम इतना भारी रखा है इसने, ठीक है. चलो एवरीवन, एवरीवन इज परफेक्टली फाइन, एकदम परफेक्टली ऑल राइट, ठीक है. मेंटली, अरे बापरे, ऐसा कर लिया अदनान ने. क्या 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 अदनान, थोड़ा सा हिंट दे दो तो मेरे को याद आ जाए. ठीक है, ओके. आई एम ऑल गुड देवयानी, थैंक यू फॉर आस्किंग बच्चा. हाउ आर यू, ठीक है. ओके ओके ठीक है. स्वप्निल, आपका नाम भी ले लिया, लो खुश हो जाओ, ठीक है. चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. मतलब बेटा मैं और आगे आ जाऊंगी तो स्क्रीन से बाहर आ जाऊंगी, ठीक है. तो हम इसी के साथ टॉपिक को आगे बढ़ा लेते. अरे रहने दो, बोल दिया अदनान ने. हाय हाउ रूड, ठीक है. कल्पना, गुड इवनिंग, नहीं गुड आफ्टरनून, ठीक है. अब्दुल इज यार, सयान इज यार, सुपर. चलो इसी के साथ बचा लोग, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, ठीक है. मतलब गुड मॉर्निंग बोल दिया इसने तो, देखो, ठीक है. अदनान शेख, मैं एकदम मस्त हूँ बेटा, आप बताओ आप कैसे हो. गुड आफ्टरनून विनीता. डॉक्टर अभिजीत इज हियर, आई कैन सी नितिन. ओके मिस्टी तिवारी इज ऑल्सो हियर. कुरकुरे, क्या बात है. कुरकुरे आज भी इतना मासूम सा चेहरा, लेकिन फिर भी उदास सा चेहरा लेके आए, वो देखो क्या कर रहे हो. हाँ मैं स्क्रीन से बाहर ना आ जाओ इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ. वेन इज एसएसपी सर का क्लास. बेटा एसएसपी सर आते हमारे शाम को 9 बजे, ठीक है. आप मेरी वीडियो डालने वाले हो शांतनु, कहाँ डालोगे वीडियो भाई, मैं वीडियो यहीं पे बनाती हूँ, कहाँ डालोगे, ठीक है. आई हैड माई लंच, एब्सोल्यूटली यस. अरे बापरे शांतनु, मैंने डांटा कब आपको, मैंने आज तक नहीं डांटा आपको, आई स्वेर. चलो इसी के साथ हम सब शुरू कर लेते. ओके और आई कैन सी मोहित इज यर, दिव्या इज यर, गोला पूजा इज यर, क्या बात है, ठीक है. पिक्चर नहीं आ रही है, अरे ये तो ट्रेलर है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. चलो शुरू हो जाते. चलो इसी के साथ एवरीवन लेट अस स्टार्ट, ठीक है. मैं अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू मोहित. ओके चलो हम शुरू कर लेते. हमारा कल का जो टॉपिक था ना वो खत्म हो गया है. अरे बाप रे, मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि सर आज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है. अरे आयुष कुमार को ब्रेक चाहिए बेटा. व्हाट शुड आई ब्रेक, बोन नहीं, क्या ब्रेक करूं बताओ, पहले बताओ क्या ब्रेक करूं मैं, बोन. मैं कहां हूं, मैं इसी दुनिया पे हूं बेटा, और मेरे आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी चलती रहती है. कुरकुरे आप हो मुझे पता है, लेकिन एक स्माइली वाला इमोजी तो भेज दो, ठीक है, फिर मैं कुछ बोल दूं. नाउ कमिंग नेक्स्ट, नमस्ते गोपी बहू, ठीक है. चलो अरे बाप रे, ये कुरकुरे ना मेरे को बोल रहा है मेरे को भूल गए हो, या तो ये मैं समझ नहीं रही हूं, ठीक है. निवेदिता यू आर बैक, ठीक है. गुड नून सोनम, अच्छा ये टाइम गुड नून रहता है शोएब, ठीक है. ओके चलो, यू आर सो ब्यूटीफुल. गंगा जमुना, पहले ये बताओ तुम कौन हो, गंगा हो या जमुना हो,
ठीक है, अरे गंगा हो या जमुना हो, हमने दोनों को साफ कर रखा है गंगा जमुना एक्शन प्लान से। चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, मेरे को टैग भी करेगा ये। ठीक है, हाय किरण, हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो कल वाला जो मॉर्फो का वीडियो था वो देखा? कुछ समझा नहीं समझा पहले ये बताओ। अरे सोनम पाल, ठीक है, वेन इज योर बर्थडे कम्स? स्वप्निल जी, इट कम्स ड्यूरिंग डे एंड इट गोज ड्यूरिंग नाइट, व्हाट टू डू? ठीक है, चलो अब असली में बता देती हूँ, ये सरस्वती है। ठीक है, अच्छा असली में बता देती हूँ मैं, है नितिन जी, है। ठीक है, असलियत तो वाला बता दूं मैं, मेरा बर्थडे कब आता है, कब आता है? मम्मी को पूछ के बताती हूँ, बेटा मैं भूल गई। चलो कोई नहीं, अब वापस आ जाते हैं। सागरिक जी, हम आपको भूले नहीं है, आप आ जाते हो कभी कभी ईद के चांद की तरह, हम क्या करें? ठीक है, किसकी एंगेजमेंट सेरेमनी थी बेटा? मैंने नहीं देखी, सर की ना, सर की तो देखी। ठीक है ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, हम हमारी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। ठीक है, एवरीवन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है कि नहीं है, नोटबुक है कि नहीं है, पेंसिल है कि नहीं है, या पेन है कि नहीं है? ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलो चलो शुरू कर लेते हैं। ये देखो अदनान खान बोलते हैं, आप तो मुझे भूल गए भैया, मैंने ना, ठीक है, 1 अप्रैल को आता है मैम का बर्थडे। हाँ मैम को अप्रैल फूली बना लो तुम, बस यही बचा है। सबने बोल दिया, सबके पास सारी चीजें हैं, तो हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन 1 मिनट, आपके चैट को पॉप आउट कौन करेगा? अरे विनीता को सब याद है देखो। आपके चैट को पॉप आउट कौन करेगा? नहीं किए तो आपकी बातें कैसे सुनेंगे हम? ठीक है, चलो एवरीवन, हम आज शुरू कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये देखो स्वीटी सिंह भी हर कोई बोल रहा है, मेरे को भूल गए, मेरे को भूल गए। बेटा मेरे न्यूरॉन्स का क्या, डिमेंशिया वाला हो रखा है क्या हाल, क्या कर रहे हो यार? ठीक है, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते। ठीक है, बुक नहीं है सागरिका प्रधान, बुक नहीं है तो बेटा कम से कम एक सॉफ्ट कॉपी ले लो, चल जाएगा हमको। अंडरलाइन तो नहीं कर सकते, उसमें हाईलाइट कर लेना। ठीक है, चलो एवरीवन, बेटा ये टू शॉर्ट, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इट्स नॉट वन शॉट, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ये देखो इग्नोरिंग मी, अरे भैया यू आर इग्नोरिंग नीट, आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, डू नॉट इग्नोर नीट, वापस आ जाओ, नीट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो लेट अस स्टार्ट, हमारे पास सब कुछ है, बुक है, पेन है, पेंसिल है और स्टिकी नोट्स है, और हम क्या शुरू कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी मैं, आपको ये बता दूंगी किसमें क्या याद करना है, ताकि एनाटॉमी के सारे एमसीक्यू यू खल्लास हो जाए हमारे सामने। चलो जैसे एनाटॉमी खत्म होगा, हमने मेंटी लेनी है मॉर्फो और एनाटॉमी की साथ में। ठीक है, चलो अब ये जो ताजा ताजा ब्रेकिंग न्यूज वाली खबर दे रही हूँ वो ये है, 5 जुलाई का बैच जो है वो भर चुका है, तो अब नया बैच शुरू हो रहा है 19 जुलाई से। आई रिपीट, 19 जुलाई से पेड क्रैश कोर्स वाला जो बैच है ना वो शुरू हो रहा है। अब ये पेड क्रैश कोर्स, जिनको यहां पर फ्री में ऐसा लग रहा है कि भाई हम रेगुलर नहीं है, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, या हमको एक मेंटोर की जरूरत है, हमको टेस्ट सीरीज की जरूरत है, हमको रिप्लेस देख के लिए एक अच्छे से सेशन सारे मिल जाते हैं जहां पर ज्यादा बातें नहीं होती है, ज्यादा टाइम पास नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो भैया आपके लिए पेड क्रैश कोर्स है। ठीक है, पेड क्रैश कोर्स की फीस वगैरह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सुन लो, 19 जुलाई से पेड क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये आपका कूपन कोड है, तो नीचे लिंक है, ये कूपन कोड है और ये पेड क्रैश कोर्स है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्रैश कोर्स का ओवरव्यू देख लो, आपके अनलिमिटेड डाउट सॉल्व करने के लिए हमारे पास डाउट एक्सपर्ट्स रहेंगे, जो 8 AM to 11 PM आपका इमीडिएटली विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है आपके डाउट पोस्ट करने के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब अभी अभी मैंने डाउट पोस्ट किया, 2 मिनट के अंदर मेरे को रिप्लाई आ जाएगा, भाई ये तुम्हारा डाउट है, वेलकम टू द डाउट सेशन, और आपका डाउट सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपके 120 सेशंस होंगे जिसमें आपका नीट का पूरा सिलेबस कवर होगा। क्यों 120 सेशंस? तो अप्रोक्सीमेटली 120 लेक्चर्स होते हैं, इसका मतलब हर लेक्चर का आपको वन शॉट मिल रहा है।
रहा है, ठीक है, हर चैप्टर का आपका वन शॉट मिल रहा है। हर एक सेशन कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे का होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का एक सेशन होता है। कभी कभी टीचर्स को क्योंकि ज्यादा बताना होता है तो वो एक दो एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है। 10 फुल टेस्ट होंगे, 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, और आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ नीट क्रैक करने के सारे तरीके बताए जाएंगे, और वो एक टू वे इंटरक्टिव प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आप पढ़ने वाले हो। तो एवरी वन विद दिस, ये रहे हमारे नीट के रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स के साथ वेदांतु नीट मेड इजी को क्या करोगे, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करके किस पे टर्न कर लोगे, ऑल पे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। इसी के साथ मुझे दिख रहा है बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बचा लोग बचा लोग बचा लोग बचा लोग वीडियो को लाइक कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। आपने कर दी लाइक, कर दी लाइक कि नहीं की, जल्दी बताओ। नो, अनुज शर्मा ने बोल दिया नो। कृतिका त्रिपाठी, त्रिपाठी जी हेलो फ्रेंड्स बोला, हेलो टीचर तो बोला ही नहीं, ऐसा कैसा चलेगा। शेरोन, ठीक है ये, ओके चलो, 100K लाइक्स कर दी इसने, देखो ठीक है, चलो एवरीवन डिड यू लाइक द वीडियो, कर दिया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो इसी प्यार के साथ हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, एंड लेट्स स्टार्ट। देखो नोवा ने बोल दिया नहीं हम नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं नोवा, जब सेशन पसंद आ जाएगा तब कर लेना, फिर भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, अच्छा बोला आपने कृतिका त्रिपाठी, थैंक यू थैंक यू, हेलो हाय, चाय पी लो ठीक है। चलो ये देख लो, कोविड क्योंकि बाहर फैल रहा है और आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब नीट नजदीक आ रहा है आपकी हेल्थ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब बीमार होना नहीं चलेगा। तो बच्चा लोग स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ख्याल रख लो और अपने फैमिली का भी, क्योंकि उनसे भी कोविड हो सकता है आपको। देखो अब जो पूछ रहे थे सचिन सर सचिन सर सचिन सर, ये देख लो भाई, सचिन सर का क्लास है, SSP सर का क्लास है रात को 9 बजे, उससे पहले मीनाक्षी मैम का क्लास है, जहां पर वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बता देंगे कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। उससे भी पहले कौन है, तो हमने बोला उज्जवल पीयूष सर, यूपी सर, और उज्जवल पीयूष सर आपको 35 डेज के क्रैश कोर्स में हाइड्रोकार्बन वन शॉट में करवाने वाले हैं, और यहां पर हम हैं जहां हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाते हैं वापस, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हियर, तो हमने बोला ये होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो हमने बोला देख लो मैं लिख देती हूँ, टॉमी टॉमी, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, नहीं वो वाला टॉमी नहीं भाई, ये टॉमी का मतलब होता है टू कट, ठीक है, और एना का मतलब होता है टू सी थ्रू। तो जब भी तुम किसी चीज को, मेरी मर्जी बोलती है ठीक है, चलो तो हमने बोल दिया जब भी तुम किसी चीज को कट करते हो और उसके अंदर की चीजें देखते हो, अंदरूनी चीजें देख रहे हो भाई कैसे सब कुछ अरेंज्ड है, देन यू कॉल दैट एज एनाटॉमी। इज इट दैट फिजिकल अपियरेंस फ्रॉम आउटसाइड, नो, इट्स फिजिकल अपियरेंस फ्रॉम इनसाइड, वो बेसिकली जो टिश्यू वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एनाटॉमी। अच्छा साड़ा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, अच्छा ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी, सर की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही, थोड़ी नहीं काफी खराब चल रही, बट सर इज ट्राइंग हिज ऑल वेरी बेस्ट टू कम एंड टीच टू यू ऑल, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अरे दीपाली चौधरी एकदम मस्त मजा में छू, तमें केम छो, जलेबी फाफड़ा खाई नहीं आएगा कि नहीं आएगा। चलो तो हमने बोला एनाटॉमी शुरू कर लेते हैं, और एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो हमने बोला हम तो बस वही पढ़ेंगे, टिश्यू 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 टिश्यू, भाई इतना बड़ा इशू हो रखा है ये टिश्यू कि अब क्या ही बोले। अब सबसे पहले याद कर लोगे टिश्यू का डेफिनेशन, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर टिश्यू, विच वन इज करेक्ट फॉर टिश्यू, तो आपको पता होना चाहिए टिश्यू क्या होगा। तो हमने बोल दिया भाई ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल जो होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फंक्शन जो रहेगा सारे सेल्स का, टिश्यू में जितने भी सेल है सब का फंक्शन कैसा रहेगा, सिमिलर, मतलब या तो सेम होगा या रिलेटेड होगा। और लास्ट, इन सब का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन शुड बी कॉमन, ये क्लियर। तो हमने बोला ये देखो क्या क्या पता होगा आपको टिश्यू के बारे में, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं सेल, फंक्शन रहेगा सिमिलर, और इन सब का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या रहेगा, कॉमन, ये क्लियर, सिंपल, ओके।
अभी नेक्स्ट एवरीवन, व्हाट कम्स नेक्स्ट, और क्या याद करने लायक था इसमें? तो हमने बोला सुनो, अगर पूछते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एनाटॉमी, भाई बिल्कुल सही। बट अगर पूछ लिया कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलोगे, तो एनाटॉमी नहीं बोल सकते, ठीक है, तब एनाटॉमी नहीं बोल सकते। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलोगे आप? साइटोलॉजी। ये याद रखोगे बच्चा लोग, ये बहुत बेसिक है और आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज एनाटॉमी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, ठीक है? ओके, ठीक है। अब चलो वापस आते हैं हम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो हमने बोल दिया अब हमारा, चलो 100% सही। अब इसी 100% सही के साथ हम आ जाते हैं प्लांट टिश्यू पर। मैं आ गई अपनी जगह पर वापस। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के? तो हमने बोला देखो, वो प्लांट टिश्यू डिवाइड करे या ना करे, उसके बेसिस पे हमने प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। डिवाइडिंग मतलब डिविजिबल, डिविजिबल के लिए वर्ड आता है मेरिस्टोस, और इसीलिए डिवाइडिंग टिश्यू को क्या नाम दे दिया? मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो हमने बोला ठीक है भाई, तुम नाम दे रहे हो, तुम रख लो। हमने बोला हम नाम नहीं दे रहे, ये तो नगेली जी ने दिया है, नगेली नगेली। ओके, सो नगेली जी थे जिन्होंने बोल दिया भाई मेरिस्टमैटिक टिश्यू बोलेंगे इसको, काहे काहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिवाइड करता है। इटलू डिवाइड, इटलू डिवाइड, इटलू डिवाइड करे ने कि तुम्हें हम टेंशन में आवी जसो, इतना डिवाइड करता है ये। कमिंग नेक्स्ट, फिर हमने बोला परमानेंट टिश्यू। हाँ, काल नगेली, करेक्ट आंसर है विनीता। चलो अब इसी के साथ हमने बोल दिया नेक्स्ट, सेकंड कौन होगा? परमानेंट। अगर परमानेंट टिश्यू सेम टाइप के सेल से बनाए, जितने भी सेल्स से, सारे सेम 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 सेम, इफ ऑल द पॉसिबल सेल्स आर सेम, देन यू कॉल इट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। और अगर दो या तीन अलग टाइप या चार अलग टाइप के सेल से बनाए, बेसिकली मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनाए, तो आप उसको बोलते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई रिपीट, अगर वो सारे सेम टाइप के सेल से बनाए, एक ही टाइप के सेल से बनाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर वो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट, सिंपल में क्या आएगा? पीसीएस। अरे पीसीएस क्या होता है? पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। बाबा क्या होता है? पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तो दो ही टाइप के होंगे ना, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। सो टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक को हमने नाम दिया जाइलम और एक को हमने नाम दिया फ्लोएम। ओके, आई यूज इंग्लिश, डोंट वरी। देखो निखिल ने बोला है मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा, मजा आ गया बेटा ये सुन के। चलो एवरीवन एवरीवन एवरीवन, इफ अ सेल हैज एन अबिलिटी टू डिवाइड, आई रिपीट, इफ अ सेल हैज एन अबिलिटी टू डिवाइड, तो आप उसको क्या बोलोगे? डिवाइडिंग टिश्यू। नेक्स्ट, डिवाइडिंग टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज, और स्पेसिफिकली नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वॉट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम मेरिस्टेम? तो हमने बोला प्लांट ग्रोथ अकर्स टिल दे सर्वाइव ओनली एट पर्टिकुलर रीजन्स, दीज रीजन्स आर नोन एज, और प्लांट ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन्स, दीज रीजन्स आर नोन एज। ओके, तो हमने बोला प्लांट ग्रोथ कहाँ होगा? एट रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स, रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स। इन्हीं रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स को आप क्या बोलोगे? यू कॉल दीज रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सिंपल, क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चा लोग, प्लीज नोट, नोट करके रखो। प्लांट ग्रोथ अकर्स इन रेस्ट्रिक्टेड रीजन, जिस रेस्ट्रिक्टेड रीजन पे प्लांट ग्रोथ होगा, दैट रेस्ट्रिक्टेड रीजन इज नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू। सिंपल, क्लियर? नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन सबके सब सेम, देन यू कॉल इट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। इफ इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू,
मोर देन वन टाइप ऑफ सॉरी इफ इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स देन यू कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. वॉट इज इट? सो हमने बोला जाइलम एंड फ्लोएम, सिंपल एज दैट. चलो इसी के साथ एवरी वन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट. इफ आई कंसिडर मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मतलब वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग दिस, वी आर फर्स्ट स्टार्टिंग विथ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, देन वी विल मूव टू सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन वी विल मूव टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, आज पूरा टिश्यू का इशू खत्म कर लेंगे. सो एवरी वन लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट एवरी वन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले क्या आ गया? आई होप एवरी वन इज लिसनिंग टू मी, एवरी वन इज पेइंग अटेंशन हियर. ओके, क्या आ रहा है? तो हमने बोला देखो बच्चा लोग कॉन्सेंट्रेट करके देखो, यू कैन सी मेरिस्टमैटिक टिश्यू, वॉट डू यू सी हियर? तो हमने बोला ये भी बता देती हूँ मैं, वॉट डू आई सी? सबसे पहला सेल वॉल कैसा है, मेरी तरह मोटा है, गोलू मोलू है? जी नहीं, पतला है, पतला, थिन सेल वॉल. सेकेंड न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? अरे हाँ, अंधे को भी दिख जाए, प्रोमिनेंट है, या फिर यू कॉल इट एज कॉन्स्पिशियस. नेक्स्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब कॉम्पैक्टली पैक रहेगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट. फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है? हाँ जी है, बहुत सारा है, एंड इट इज डेंस. नेक्स्ट डेंस साइटोप्लाज्म के बाद इफ आई कंसिडर यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गॉल्गी बॉडीज, या फिर वैक्यूल, तो ये नहीं मिलेगा. अगर वैक्यूल है तो वो भी चिंटू चिंटू वैक्यूल होगा, वो भी टेम्पररी, लार्ज वैक्यूल नहीं मिलेगा. सिंपल. नेक्स्ट क्लियर? देन कमिंग नेक्स्ट, फिर क्या आएगा? तो हमने बोला व्हाट एल्स कम्स हियर इज, तो हमने बोल दिया इसके साथ साथ यू विल आल्सो सी माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा. जी हाँ, बहुत ज्यादा अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. ठीक है, इसको कहाँ लिख दूँ? यही लिख दूँ, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया. सिंपल क्लियर एवरी वन? दिस मच इज क्लियर. ओके, एंड लास्ट शांतनु, आपने पक्का कुछ बोला है? पक्का? यहां पर सेल्स के बीच में व्हाट डू यू फाइंड? तो हमने बोला बिटवीन द सेल्स आई विल फाइंड इनकी गपशप की बातें. व्हाट इज गपशप की बातें? तो हमने बोला प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शंस बिटवीन सेल्स. इतने ज्यादा कनेक्शंस होते, इतनी बातें करते, इतने केमिकल सिग्नलिंग्स करते कि क्या बताऊं मैं, बस मैं तो थक गई भाई साहब. ओके, सो व्हाट कम्स नेक्स्ट इज दे विल हैव मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस. क्लियर? ओके एवरीवन कमिंग बैक. शांतनु व्हाट इज इट? देखो निखिल, हम सब ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ओके खतीजा, आई विल रिपीट, डोंट वरी. ठीक है, आई विल रिपीट, डोंट वरी. अच्छा क्लियर नहीं बोलना है ताकि अदरवाइज जो है वो क्लियर हो जाएगा. ओके, नथिंग कम्स नेक्स्ट, एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट बच्चा. चलो एवरीवन एवरीवन एवरीवन, थैंक यू निखिल फॉर दैट, बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑल्सो. चलो एवरीवन, व्हाट डू वी सी हियर? ठीक है, सबसे पहले ठीक है, मैं एकदम सीरियस हो गई हूँ. ठीक है, नाउ एवरीवन टेल मी, इफ आई कंसिडर द सेल वॉल इट हैज टू बी थिक और थिन? फटाफट बताओ, एकदम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं हम. इफ आई कंसिडर द सेल वॉल इट हैज टू बी थिक और थिन? मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का सेल वॉल शुड बी थिक और थिन? थिन 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 थिन. ओके नर्मदा, नम्रता वेलकम टू द सेशन बच्चा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ. ओके नेक्स्ट, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, अब बताओ व्हाट इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ? टुई टुई नहीं रहे, सेल वॉल किससे बने? टुई टुई से कैसा सेल वॉल बनेगा? मैं इधर साइड आ जाऊं, ये लो इधर साइड आ गई मैं. देखो शोएब को अपने ही नाम देखने उधर. ओके
ठीक है, सेल्यूलोस सेल्यूलोस सेल्यूलोस, जिन्होंने काइटिन बोला है, बेटा मैं प्लांट पढ़ा रही हूँ, फंगाई पढ़ा रही हूँ क्या, क्या कर रहे हो यार, इट इज काइटिन काइटिन काइटिन। अरे पैरेन्काइमा नहीं रे देवांश, वी आर टॉकिंग अबाउट मेरिस्टेम, थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यस ओके। विनीता पेक्टिन नहीं आएगा बच्चा, इफ इट इज मेरिस्टेम तो ओनली सेल्यूलोस, काइटिन नहीं है, आपने गलत लिख दिया। शांतनु आपको मैं यहां से ना कुछ तो भेजूंगी, क्या भेजू, फ्लाइंग चप्पल है एक, फ्लाइंग जेट है, क्या भेजू बोलो, जल्दी बोलो। चलो वापस आते हम, ठीक है चलो। इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली सेल्यूलोज, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट। सेकेंड थिंग व्हाट यू नो इज, हेलो निकिता, इज। अरे नहीं नहीं खतीजा जी, नहीं बिल्कुल नहीं, पैरेन्काइमा को डेड नहीं बोलते, रुक जाओ रुक जाओ। हाई हील्स भेजो इसको, फ्लाइंग हाई हील्स, ठीक है। और देखो अंश यादव बोलता है हमको फ्लाइंग जैकलीन चाहिए, अरे क्या कर रहे हो यार, फ्लाइंग चप्पल मिक्स विद झाड़ू, देखो। चलो अब सुनिए, अब सुनिए ठीक है। वॉट आर वी गोइंग टू रिमेंबर नेक्स्ट, इफ आई कंसिडर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा या नहीं होगा पहले बताओ। अरे प्रज्ञा जी हाय हाय, आई मीन नहीं हाय हाय नहीं, हाय ठीक है ठीक है ओके। नोवा आपको फ्लाइंग चप्पल नहीं देनी, आपने मेरे को लाइक नहीं दिया है। नाउ कमिंग बैक, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्पिशियस, सुपर्बली करेक्ट, ठीक है। देन कमिंग नेक्स्ट, देन कमिंग नेक्स्ट, डेंस साइटोप्लाज्म सुपर्ब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडीज प्रेजेंट या नॉट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडीज क्या होगा, प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अंशु यादव क्या कर रहे हो, ठीक है। फ्लाइंग फ्लाइंग, अरे थाम्बा रे थाम्बा थाम्बा, प्रेजेंट बोला, देखो किसने तो प्रेजेंटेड बोला, अरे एब्सेंटेड लिखो, नॉट प्रेजेंट, नो 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 नो। व्हाट इज प्रेजेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। वो देखो मेरे को फ्लाइंग कुरकुरे भेजो, अरे मैंने इधर दुकान खोल रखी है, चलो वापस आ जाओ। नेक्स्ट, मेरे को अमेजोन ही समझ रखा है इधर, चलो वापस आओ। क्या बोला हमने, हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, गॉल्गी बॉडीज एब्सेंट, वैक्यूल एब्सेंट, एंड लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, क्लियर। चलो वापस आओ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा क्या, नम्रता ने बोला ग्रीन पिगमेंट, क्या बोलू, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट बोलू एब्सेंट बोलू। अरे कुरकुरे आए हैं बेटा, थुरथुरे भी आए हैं, होम डिलीवरी चाहिए, देखो। ओ मुझे पण चाहिए वाले, वापस आओ जरा वापस आओ, देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट पूछ रही हूँ। मैडम जोन नाम रख दिया इसने, अच्छा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट या एब्सेंट, किसने यस बोला किसने नो बोला, और कोई हंस दिए। और देखो मलंग दुबे चीयर्स कर रहे हैं, अरे शर्म कर लो, नीट नजदीक है, ठीक है। नहीं देखी आपकी चैट मैंने, ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, हमने बोला क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, मेरिस्टेम्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, मेरिस्टेम ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम्स आर नॉट ग्रीन इन कलर एंड इट इज एब्सेंट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, ठीक है। अंकिता हेलो, ओके। अरे नम्रता नहीं करता है फोटोसिंथेसिस मेरिस्टेम, का ही नहीं समझते हो, इट्स टाइम टू डांस, चलो वापस आओ। ओके यू आर अमेजॉन फॉर नॉलेज, अरे बाप रे आई एम नॉट अमेजॉन फॉर नॉलेज बेटा, इफ आई एम अमेजॉन देन इट इज डिप्लीटिंग एट अ वेरी हाई रेट, बाबा रे मेरे को भी जला देंगे ये लोग जैसे अमेजॉन जला रहे। चलो कोई नहीं, हम वापस आते, हम वापस आते, 2024 इज स्टिल नॉट टू फार, अरे बाप रे। चलो अब एबसेंट हुआ, टू ही टू ही, अभी वापस आओ। मेरिस्टेम इज क्लासिफाइड ऑन हाउ मेनी बेसिस, थ्री 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 थ्री, इसको दिमाग में घुसा दो ऐसा, मेरिस्टेम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री बेसिस, ओरिजिन प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका क्या मतलब होता है दैट आई विल टेल यू, बट फिलहाल के लिए रिमेंबर वेरी कॉमनली, मेरिस्टेम इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओरिजिन, कब आया जिंदगी में, कैसे आया और क्या काम किया, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। कहाँ है तू, अपाइकल पोजीशन पे अपाइकल मेरिस्टेम, नोड्स एंड इंटर नोड्स पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम, साइड में लैटरल मेरिस्टेम, फंक्शन क्या काम करेगा। तो हमने बोला एपिडर्मिस बनाएगा प्रोटोडर्म, जाइलम फ्लोएम बनाएगा प्रोकैम्बियम, बाकी सब कुछ बना लेगा ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके सो मेरिस्टेम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओरिजिन, अपाइकल इंटरकैलरी लैटरल, लोकेशन,
प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियम ग्राउंड मेरिस्टेम फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शन वाला जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. ठीक है, और इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है ना ये भी मैं आपको बताऊंगी. देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू दैट ऑल्सो आई विल स्पेसिफाई. ठीक है, क्लियर. चलो वापस आते हैं सब लोग. और हम कहाँ से आते हैं? अरे बाबा रे, वापस तो आएगा. कहाँ से आया? तो हमने बोला वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन. अब ठीक है, इसको हम पहले ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. देखो, इफ इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो ये था हमारा सीड और सीड के अंदर है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में जो मेरिस्टेम है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम या फिर प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम. सो प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम बोला, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोला, प्रोमेरिस्टेम बोला, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, रस्टी बोलता है किसको देखूं? रस्टी स्क्रीन को देखना है और किसी को नहीं देखना है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम क्या करेगा? डिवाइड 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 डिवाइड, इतना डिवाइड, इतना डिवाइड, इतना डिवाइड. तो हमने बोल दिया भाई तुम हो गए प्राइमरी मेरिस्टेम. तुम क्या हो गए? प्राइमरी मेरिस्टेम. एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम विल डिवाइड 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 एंड डिवाइड एंड गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम. क्लियर, सिंपल. अरे बाप रे, कौन हंस रहा है? स्वीटी मेरे ड्रॉइंग पे हंस रही है. स्वीटी कोई बात नहीं, हंस लो तुम, आज तुम्हारा दिन है. चलो नाउ कमिंग नेक्स्ट. ओ शांतनु, वीडियो देख, वीडियो देख करके कब से बोले जा रहे हैं, फिर बोलता है हम बोलते ही नहीं है. शांतनु जी, आपकी जिंदगी में बड़ा अंधेरा है, हम रोशनी फैला देगा नहीं ना. चलो तुमको मम्मी मारेगा, नहीं मारे. ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आते हैं. चलो अब हमने क्या बोला, देखो मेरे ड्राइंग पे हंस रहे सब. चलो कोई नहीं, नाउ कमिंग बैक. चलो थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू. नाउ कमिंग बैक, प्राइमरी मेरिस्टेम के साथ क्या होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम विल हैव टू ऑप्शंस, एंड व्हाट आर दीज ऑप्शंस? तो हमने बोला सबसे पहला आएगा सेल डिवीजन. व्हाट इज द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन. ठीक है, एंड व्हाट इज द सेकेंड वन? ये इंपॉर्टेंट था, सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन मतलब वो क्या बन जाएगा? परमानेंट. क्लियर, सिंपल. नेक्स्ट, एवरीवन, बापरे ड्राइंग पे नहीं, ड्राइंग पे नहीं, आपके शब्दों पे हंस रहे हैं आप, मेरे शब्दों पे हंस रहे हैं. ठीक है, चलो कोई नहीं, ललन टॉप ड्राइंग है मेरा, आप हंस रहे हो, क्या बोलने का. चलो मैम को बताना ही नहीं था. शांतनु आपको मैंने बोला था, आपने बोला था नीट की फुल तैयारी हो गई और आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर लो शांतनु, सच्ची बता रही हूं, नहीं तो बाद में पछताओगे, बड़ा पछताओगे तुम. चलो वापस आओ. नाउ नाउ नाउ, ठीक है, एवरीवन कमिंग बैक. ठीक है, मैं आपको कुछ परेशान नहीं करती हूँ शांतनु, ना ही कभी डांटती हूँ, लेकिन आप फिर शुरू हो जाते हो चैट में बातें करना. नहीं करना है बेटा बातें, सच्ची बता रही हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लो, लिटरली इट विल हेल्प यू. नाउ कमिंग नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी हियर? सेल डिवीजन मतलब वन सेल विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल. सो वन सेल इज डिवाइडिंग एंड इट फॉर्म्स टू सेल, देन दीज टू सेल्स विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म फोर सेल. ऐसा करके करते 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 चलता रहता है. ठीक है, मेरिस्टेम से मेरिस्टेम ही आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम विल गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम ओनली, सवाल इच नहीं. नाउ व्हाट कम्स हियर? तो हमने बोला व्हेन यू कंसीडर सेल डिफरेंशिएशन, वन सेल व्हिच वाज मेरिस्टेम, जो पहले से मेरिस्टेम था, वो आगे जाके क्या बन जाता है? तो हमने बोला इट कैन बिकम एनी परमानेंट टिश्यू, इट कैन बिकम जाइलम वेसल, इट कैन बिकम जाइलम ट्रकीड, इट कैन बिकम पैरेन्काइमा, इट कैन बिकम स्क्लेरेन्काइमा और समथिंग एल्स. ये समझ रहे हो? सो बेसिकली व्हेन वन डिवाइडिंग सेल बिकम्स अ परमानेंट सेल, आई रिपीट, व्हेन वन डिवाइडिंग सेल लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड, उसने खो दी अपनी एबिलिटी डिवीजन करने की, और क्या बन रहा है वो? एक परमानेंट सेल. क्लियर, सिंपल. आई रिपीट, when one dividing cell, one cell which can divide, when one dividing cell क्या कर रहा है? तो हमने बोला one dividing cell loses its ability, it has lost its
इट्स अबिलिटी टू डिवाइड, टू डिवाइड. जब उसने अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की एबिलिटी छोड़ दी, जाने दो, जाते जाने वाले को कौन रोक सकता है, ऐसा करके रिलीज डन, लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड. मैक्सिमम ग्रोथ अटेंड कर लिया, मैक्सिमम ग्रोथ अटेंड कर लिया, ठीक है. एक परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर मिल गया, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट शेप स्ट्रक्चर साइज सब मिल गया, एक परमानेंट फंक्शन मिल गया. दैट इज द पॉइंट व्हेन यू कॉल इट एज सेल डिफरेंशिएशन या सेल मैच्योरेशन. ये क्लियर सबको यहां तक? एवरीवन दिस मच इज क्लियर टू यू? परफेक्ट. वन डिवाइडिंग सेल हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड एंड इट अटेन्स अ परमानेंट शेप, अ मैक्सिमम ग्रोथ, अ परमानेंट फंक्शन, सेल डिफरेंशिएशन. सिंपल, क्लियर? नेक्स्ट, नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट ईयर? तो हमने बोला लेट्स सी ईयर. ओके, नाउ व्हाट डू वी सी? सी ईयर, ये था हमारे पास एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम या प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम. कहाँ मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज या सीडलिंग में. क्या करेगा? रैपिड सेल डिविजन. और क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट, प्राइमरी मेरिस्टेम जो रहेगा वो आता है बिकॉज ऑफ प्रो मेरिस्टेम. प्रो मेरिस्टेम गिव्स राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम. ये जनरली क्या काम करेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम विल जनरली इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी का लेंथ बढ़ाएगा, हाई टुई भी टुई टुई करके इंक्रीज हो जाए, टुई टुई करके इंक्रीज, ऐसा करके प्लांट बॉडी का हाइट को इंक्रीज करवाएगा. इतना ही नहीं, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. वॉट इज प्राइमरी ग्रोथ? हाइट, 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 ठीक है. तो हमने बोला इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. सिंपल एज दैट. क्लियर? परफेक्ट. चल नाउ कमिंग नेक्स्ट. व्हाट कम्स नेक्स्ट? एवरीवन साइलेंस, एवरीवन साइलेंस. चलो नाउ कमिंग बैक. अच्छा, रस्ट ने मेरे को बोल दिया बायोपायरेसी. शांतनु, इतना काहे गुस्सा कर रहे हो और किस पे गुस्सा कर रहे हो? ओके, नाउ कमिंग बैक, व्हाट कम्स नेक्स्ट? देखो इतनी बातें कर रखी है. डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. किसने पूछा था? प्रो एम्ब्रियोनिक को, तियाशा, प्रो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम को प्रो मेरिस्टेम एंड प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम भी बोलते हैं. एब्सोल्युटली यस, ठीक है, परफेक्ट. थैंक यू मेहरीन बच्चा, थैंक यू. ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड. परफेक्ट. नाउ नोवा, आई रिपीट, आई रिपीट, कहीं भी यहां पर आके झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है, सिंपल. चलो वापस आ जाओ. एवरी वन, नो वन इज गोइंग टू फाइट विद एनी वन, ठीक है. चलो लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी, ठीक है. हाँ, अभी प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम बोला, प्राइमरी मेरिस्टेम बोला, सॉरी प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम बोला, प्रो मेरिस्टेम बोला, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोला, सेम होता है. उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बोला? हमने बोला नेक्स्ट आ गया प्राइमरी, ठीक है. ठीक है नोवा, आई रिपीट, यू आर लर्निंग हियर, एब्सोल्यूटली ओनली लर्निंग, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने बोल दिया अब हमारे पास क्या आ रहा है. इफ यू हैव अ परमानेंट सेल, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक परमानेंट सा सेल है जिसका नाम है पैरेन्काइमा. सो इमेजिन दिस इज पैरेन्काइमा. व्हाट इज पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा इज अ परमानेंट सेल और अ परमानेंट टिश्यू, ठीक है. अब ये जो परमानेंट सेल था, इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. अभी इसके दिल में, दिमाग में, जहन में कुछ तो नया आया, इसने सोचा लेट मी डिवाइड यार, ठीक है, आई वॉन्ट टू डिवाइड, मेरे को फिर से डिवाइड करना है, मुझे फिर से वही डिविजन वाली जिंदगी जीनी है. सो अंडर सच सिनेरियो व्हाट विल हैपन? इट रीगेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड, इट रीगेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड. और जब इसने रीगेन कर ली एबिलिटी टू डिवाइड तो क्या होगा? तो हमने बोला देखो हादसा ऐसा था, सबसे पहले एक सेल था जिसको हमने बोल दिया था मेरिस्टेम, विच इज प्राइमरी मेरिस्टेम. ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके क्या बन गया? पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा ने क्या किया? डी डिफरेंशिएशन, मतलब अपना डिफरेंशिएशन निकाल दिया, बोले मेरे को नहीं करना है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनना है, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ परमानेंट स्ट्रक्चर, आई वॉन्ट टू डिवाइड.
तो ये अब बन चुका है सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बन गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट यू विल यूज फॉर सेकेंडरी मेरिस्टेम? तो हमने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर मेजरली लैटरल मेरिस्टेम, और ये नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। लैटरल क्योंकि ये मेजॉरिटी टाइम साइड में मिलते हैं। सो जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम्स है वो सब के सब कैसे है? लैटरल मेरिस्टेम। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, कौन सा ग्रोथ करने में हेल्प करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब हाइट विद सॉरी हाइट नहीं, विद डायमीटर या सर्कमफेरेंस को इंक्रीज करने का काम। सिंपल। नेक्स्ट, उसके बाद हमने बोला इफ आई कंसिडर सेकेंडरी मेरिस्टेम इट इज फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज वैस्क्यूलर केम्बियम, ऑल्सो नोन एज फैसिक्यूलर केम्बियम, देन कमिंग नेक्स्ट कॉर्क केम्बियम, एंड लास्ट क्या? इंटर फैसिक्यूलर केम्बियम। ठीक है, ये तीनों कौन है? ये तीनों के तीनों कौन है? सेकेंडरी मेरिस्टेम विच आर लैटरल मेरिस्टेम्स। फिर इनसे बनेगा कुछ नया, कुछ परमानेंट बाय प्रोसेस नोन एज रीडिफरेंसिएशन, बाय प्रोसेस नोन एज रीडिफरेंसिएशन। तो अब ये देखो, अगर इफ दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम बिकम्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर या परमानेंट टिश्यू, तो प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने? डिफरेंसिएशन। क्योंकि ये वापस हो रहा है, यू कॉल इट एज रीडिफरेंसिएशन। ये क्लियर? सिंपल। ज्योत्सना जी, बेटा लैटरल मेरिस्टेम बता रही हूं मैं आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, सिंपल। एवरीवन, दिस मच इज क्लियर? आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। सी, देयर इज प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम विल अंडरगो डिफरेंसिएशन टू फॉर्म पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अंडरगोस डी डिफरेंसिएशन टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो रहेगा, इट विल इट इज दे आर ऑफ थ्री टाइप्स एज यू कैन सी हियर, वैस्क्यूलर केम्बियम, कॉर्क केम्बियम एंड इंटर फैसिकुलर केम्बियम। अब व्हेन दीज विल डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यू अगेन, ठीक है, देन यू कॉल द प्रोसेस एज रीडिफरेंसिएशन। ये क्लियर? ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना बेटा, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। प्राइमरी मेरिस्टेम टू प्राइमरी परमानेंट डिफरेंसिएशन, हर्षिता, एब्सोल्युटली यस। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हुआ है? परफेक्ट। ओके, ठीक है, चलो। फॉर दोज हु आर आस्किंग कि भाई हमारा 12th स्टैंडर्ड का वीडियो अपलोड कर दो, बेटा मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं कर रही हूँ अदरवाइज। ठीक है, चलो। एवरी वन, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। मोहित दुबे भी आ गए सेलिब्रेशन करने, चलो। ओके, तहानियत बेटा, आप लेट आ गए थोड़ा सा। ठीक है, अभी इसी के साथ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो हमने बोल दिया बेस्ड ऑन, ओके तहनीत, हमने ये बोला अब तक बेस्ड ऑन ओरिजिन हमारे पास तीन टाइप के मेरिस्टेम थे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड 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 करेगा और डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बनाएगा। परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंसिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ऑल्सो नोन एज लैटरल मेरिस्टेम, और उसके टाइप्स क्या क्या होंगे ये हमने अब तक डिस्कस किया। ठीक है, ओके। फिर हमने बोल दिया व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो हमने बोला अब आएगा हमारा मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अभी क्या होता है ये देखते हैं। तो हमने बोला लेट अस स्टार्ट विथ अपाइकल मेरिस्टेम फर्स्ट। जो मेरिस्टेम अपेक्स पे है, अगर वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है तो उसको हम बोलेंगे बेटा तू है सांप, क्योंकि वो शूट के अपेक्स पे है। अगर वो रूट के अपेक्स पे है तो हम उसको बोलेंगे बेटा तू है राम, क्योंकि वो
रूट के अपेक्स पे है. सो शूट अपाइकल मेरिस्टम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टम, दीज आर टू डिफरेंट अपाइकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट इन अ प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैं वही बता रही हूँ बेटा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू. एमसीक्यू के लिए क्या याद रखोगे? शूट अपाइकल मेरिस्टम दैट इज साम इज एग्जैक्टली एट द टिप, टर्मिनल पोजीशन पे होगा. रूट अपाइकल मेरिस्टम जो होगा वो टिप से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो हम बोल सकते हैं उसको सब टर्मिनल पोजीशन पे था ये. क्यों? क्योंकि रूट कैप होता है टर्मिनल पोजीशन पे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था. राम और साम ट्विंस होंगे, देखो. चलो अब कुणाल ने बोला पानी पी लो, मैंने पानी पी लिया. बस कुणाल, आपके दिल को ठंडक पहुंची कि नहीं? मेरे गले को ठंडक पहुंच गई. अब चलो, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर विथ रिस्पेक्ट टू इंटर कैलरी मेरिस्टेम. और क्या है वो? अब जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा लोग, तो मेक श्योर कि आप इसको नोट करके बैठे हो. ठीक है, इसको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है, चलो वापस आ जाओ. इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या क्या याद रखोगे? पीलो पीलो, रुद्र पानी ही पीना, ठीक है, काला पानी नहीं पीना. इंटर कैलरी मेरिस्टेम में सबसे पहला, अगर ये प्रेजेंट है इन प्लांट्स लाइक ग्रास, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, तो हमने बोला क्या आएगा सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट ये था, इंटर कैलरी मेरिस्टेम इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर के, बैम्बू एक्सेट्रा, इन सब में क्या काम करेगा? इंटरनोड इलोंगेशन. ये क्लियर? आई रिपीट, इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन शुगर एंड बैम्बू, ये क्या काम करेगा? इंटरनोड इलोंगेशन. और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, इंटर कैलरी मेरिस्टेम और क्या काम करेगा? तो हमने बोला इंटर कैलरी मेरिस्टेम अगर प्लांट में प्रेजेंट है जैसे कि मिंट, तो ये मिंट प्लांट में क्या काम करेगा? इट हेल्प्स इन पिटियोल इलोंगेशन. ठीक है, सिंपल. ठीक है, चलो एवरीवन. अंशु यादव, माय क्लास टाइम इज बेटा एवरीडे 2 PM. जिन्होंने पूछा पिटियोल क्या होता है, उनके लिए बेटा पिटियोल लीफ के नीचे की डंडी होती है, स्टॉक ऑफ अ लीफ इज नोन एज पिटियोल. ओके, सिंपल. ओके, परफेक्ट. इंटर कैलरी नहीं रहे. ये देखो इंटर कैलरी हो गया इसका. ओ टुई टुई, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. ठीक है, चलो हम आगे पढ़ाते हैं, हम आगे पढ़ाते हैं. एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर दिस? ओके, लीफ का सहारा. ठीक है, चलो अब इसी के साथ हमने बोल दिया हमारे पास लास्ट में क्या आएगा? लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए. सी, आई अंडरस्टैंड लैटरल मेरिस्टेम में जो इंट्रा फैसिकुलर केमियम आता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लैटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? सेकेंडरी. सो लैटरल मेरिस्टेम्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स. आई रिपीट, मेजॉरिटी ऑफ द मेरिस्टेम्स आर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम. ये देखो यहां पर क्या बोला हमने, हमने बोला देखो, देखो समझो सीखो. ठीक है, अगर हमने बोल दिया हमारे पास है लैटरल मेरिस्टेम, तो लैटरल मेरिस्टेम में आएगा सॉरी माय मिस्टेक इंट्रा फैसिकुलर केम्बियम. इंटर फैसिक्यूलर केम्बियम, वैस्क्यूलर केम्बियम,
और करके भी। इसमें से ये होता है रूट में, ये होता है स्टेम और रूट दोनों में, ये भी होता है रूट, नहीं ये होता है स्टेम में, ये भी होता है स्टेम में, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब कुछ क्या है? ये सब है सेकेंडरी मेरिस्टेम, बट ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्लियर? सिंपल, सबको यहां तक क्लियर हुआ है? परफेक्ट। नेक्स्ट, जब जब विड्थ का इंक्रीज होगा, जब जब डायमीटर इंक्रीज होगा, जब जब हमने ये बोला सर्कमफेरेंस इंक्रीज होगा, एवरी टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सेकेंडरी ग्रोथ। तो लैटरल मेरिस्टेम क्योंकि रेडियल ग्रोथ करवाता है या फिर सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, इसीलिए हम उस मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। परफेक्ट, सिंपल, यहां तक क्लियर है सबको? परफेक्ट, यस, डन डन डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब इसी के साथ वी मूव टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द पॉइंट, एंड दैट इज, अगर हम अपाइकल मेरिस्टेम देखें, विच इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, तो अपने फंक्शन के हिसाब से अपाइकल मेरिस्टेम क्या क्या काम करता है? तो हमने बोला ये देख लो, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, जैसे आपको यहां दिखेगा, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। तो हमने वही बोला, प्रोटोडर्म, मैं यहां अलग से इसलिए लिख रही हूं बिकॉज आई एम गिविंग यू ऑल्टरनेट नेम्स, प्रोटोडर्म इज ऑल्सो नोन एज डर्माटोजन, ठीक है। प्रोकैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज प्लेरोम, ग्राउंड मेरिस्टेम इज ऑल्सो नोन एज पेरिब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये क्लियर? सिंपल, परफेक्ट। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, क्या बोला हमने? हमने बोला इन दिस क्लास व्हाट आर वी गोइंग टू सी, प्रो मेरिस्टेम, सॉरी अपाइकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म को दूसरा नाम डर्माटोजन, प्रोकैम्बियम को दूसरा नाम प्लेरोम, ग्राउंड मेरिस्टेम को दूसरा नाम पेरिब्लेम, ठीक है। क्या बोल दिया हमने उसको? पेरिब्लेम। नेक्स्ट, ये जो प्रोटोडर्म होता है ना, प्रोटोडर्म ये आगे जाके क्या बनाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्रोकैम्बियम आगे जाके क्या बनाएगा? वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टेम आगे जाके क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये क्लियर? चिंपले और चिंपले, परफेक्ट। ठीक है नम्रता, कोई बात नहीं, चलो इसी के साथ, परफेक्ट, वैस्कुलर ग्राउंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब इसी के साथ हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलो परफेक्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए एक बहुत मस्त मेरे पास टेबल है, पहले बताओ बताओ कि नहीं बताओ? अच्छा मोहित जी, आपने क्या क्वेश्चन किया था जो पूछ रहे हो? आंसर करो कोई, आपने नहीं रखा है पानी? अरे बाप रे, पानी पी लो पानी पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो, हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ। चलो अरे बाप रे, कितनी बातें हो रखी है, मैंने कितना कुछ मिस कर लिया यार। हाँ जी बताओ जी, क्या करे, किसी की वॉइस आ रही एडिशनल। अरे बेटा मैं बता रही हूं,
मस्त वाला मजा नहीं लाइफ, ठीक है चलो। अच्छा मैं बता रही हूँ, एक टेबल बताऊंगी, उतना टेबल पढ़ लो, मेजोरिटी ऑफ योर सिंपल परमानेंट इशू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कल्पना जी रो रहे हैं, कल्पना जी नहीं रोना नहीं रोना, अरे बाप रे भूख लगी है, सोने पर सुहागा को भूख लगी, बेटा ये क्या नाम रखे, प्लांट बीमार है बढ़ नहीं रहे हैं। मोहित जी कोई बात नहीं, आप जिस जिसके पास से आपने प्लांट लिए होते हैं ना, नॉर्मली जो प्लांट वगैरह बेचते हैं उनको पूछिए कि भाई आपके पास कोई ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, जैसे नीम ऑयल आता है, जैसे कड़वे नीम के पत्ते जो होते हैं ना वो होता है, उनको डाल दो आप सॉइल के अंदर, प्लांट अच्छे से बढ़ने लगते हैं, ठीक है। टेबल में तो पढ़ते हैं ना, टेबल कैसे पढ़ू, ये देखो, अरे तबले नहीं है वो, टेबल है, टेबल पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब प्लांट का खाना पानी दो, प्लांट को खाना पानी दो। ये देखो परमानेंट इशू वो होते हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की जो है वो खो चुकी है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। होमोजेनस है मतलब सबके सब कैसे होंगे, आइसोडाइमेट्रिक, आइसोडाइमेट्रिक का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू में दो ही आएगा, दो ही, जाइलम एंड फ्लोएम, ये आइसोडाइमेट्रिक नहीं होते, ये हेटेरोजिनस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, चित्र विचित्र, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वुड बी सीन, ठीक है। चलो ये रहा आपका टेबल, और इस टेबल का पहले ले लो स्क्रीनशॉट, मैं बाद में इसको पढ़ा देती हूँ, बट पहले स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। प्लांट को कॉम्प्लान पिलाओ बोलते हैं, देखो मैं क्या ही बोलूँ इसको, क्या बोलू क्या बोलू मैं, क्या बोलू क्या बोलू। अच्छा ठीक है चलो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पता नहीं क्या क्या करतूते करते हो, ठीक है। अब बताना मेरे को स्क्रीनशॉट होने के बाद, तो मैं वापस आ जाती हूँ, आ जाऊं वापस, स्पीड हाइट दे दे। अरे क्या कर रहा है मोहित, पहले समझाऊं, ठीक है चलो मैं समझा लेती हूँ। मैं आ गई इधर ग्रीन बॉटल से पानी पीकर, ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा स्क्रीनशॉट कैसे ले, स्क्रीन क्लियर ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सिंपल। चलो आ जाओ, इतने टाइम में मेरे दो पिज्जा खा के हो गए, तुम्हारे स्क्रीनशॉट खा के नहीं हो रहे, चलो वापस आओ वापस आओ वापस आओ, ठीक है। ओ मैं सुन रहा हूँ, ओ जकर वापस आओ। चलो ये देखो, सबसे पहले हमारे पास जो टिश्यू है, आ जा बेटा तेरी जरूरत है, हाँ, ये जो सबसे पहला वाला टिश्यू है ये है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू आर सपोज टू लिसन योर, तो हमने बोला देखो पैरेन्काइमा है लिविंग एंड सिंपल, कोलेनकाइमा भी लिविंग एंड सिंपल, कितना इजी भाई, दोनों पैरन एंड कोलन लिविंग है, दोनों की सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू, एकदम मस्त भाई साहब, ये इजी हो गया। अरे बाप रे स्क्लेरेनकाइमा तो डेड है, आत्मा है ये, डेड है और सिंपल है। सो पैरन कोलन एंड स्क्लेरन तीनों सिंपल टिश्यू है, लेकिन पैरन इज लिविंग, कोलन इज लिविंग एंड स्क्लेरन इज डेड, ठीक है, तो वो डेड होता है। नेक्स्ट काहे डेड है ये तो पूछा ही नहीं, तो हमने बोला देखो इसके पास जो सेल वॉल है, किसके पास, पैरेन्काइमा के पास, वो एकदम पतला सा है रे बाबू मोशाय, केवल सेल्यूलोज से बनता है, जैसे कि मेरिस्टेम में दिखता था। बट इफ आई कंसिडर, अरे ओ चीज ग्रिल सैंडविच मैं खाऊंगी, जॉय विथ मास्क मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी भाई, हम भले गोलू मोलू हो जाए हम तो खाएंगे। चलो वापस आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर हमने बोला इट इज थिक एट कॉर्नर्स, मोटे मोटे होते हैं कॉर्नर पर, और क्यों मोटापा है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की वजह से, ठीक है। हेमी सेल्यूलोज कभी कभी मिलता है, लेकिन मेजरली इंपॉर्टेंट कौन है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, आ तो बे बहुज इंपॉर्टेंट छे हो। चलो हे दोग ही खूब इंपॉर्टेंट आहे आमच्या साठी। अभी लास्ट स्क्लेरेनकाइमा है डेड डेड डेड, व्हाई इज इट डेड, व्हाई इज इट डेड, व्हाई इज इट डेड, क्योंकि उसमें लिग्निन है, क्योंकि उसमें क्या है, लिग्निन, बिकॉज इट हैज लिग्निन, ये क्लियर, क्योंकि उसके पास क्या है, लिग्निन, समझे, ठीक है। ये देखो भांग खिलाओ रे कोई मैम को, क्या बोलता है रे। चलो अब आ जाओ बेटा, लिग्निन से मोटापा नहीं आता है, हाँ पिज्जा खाने से मोटापा आता है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो एवरीवन एवरीवन एवरीवन, व्हाट डू वी सी हियर, देखो तुम्हारे लिए मैं नाच भी दूँ गा भी लूँ लेकिन फिर भी नहीं सुनते, क्या करूँ मैं। सेल्यूलोज विल हैव थिन सेल, सॉरी
पैरेन्काइमा विलर थिंसेल वॉल पतला था, कोलेन्काइमा वो लॉकडाउन में शुरू हुआ था, तो जगह जगह मोटा हो रहा है, बस जगह जगह, बस स्क्लेरेन्काइमा हर जगह से सर्वसंपूर्ण मोटा सेल वॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके सेल वॉल में क्या है भाया, लिगनिन है। ठीक है चलो नेक्स्ट, ये देखो रस्टिको फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या चाहिए, पिज्जा, पिज्जा ऐसा वो ट्राइंगुलर शेप होता है, त्रिकोण, वो कैसा फ्लाई करके आएगा सोचो। चलो नेक्स्ट, तुम्हारे लिए मेरे को लगता है पिज्जा को स्पिंडल शेप बनाना पड़ेगा, स्पिंडल शेप पिज्जा, चलो आ जाओ वापस। ठीक है नाउ कमिंग नेक्स्ट, हमने बोल दिया इफ आई कंसिडर प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल, जो जिंदा है उसमें प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल है, जो मर गया उसमें नहीं है, तो पैरेन्काइमा के पास प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल है, कोलेन्काइमा के पास है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के पास नहीं है, तेरे को नहीं दिया। नेक्स्ट सेल शेप, सेल शेप व्हाट डू वी सी इन केस ऑफ सेल शेप, तो हमने बोला विथ रिस्पेक्ट टू सेल शेप हमको ये पता है कि यहाँ पर आइसोडायमेट्रिक, 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 सबके सब सेम आइसोडायमेट्रिक। रीजन क्या बोला हमने, तो हमने बोला रीजन ये था कि सबके सब सिंपल टिश्यू है, तो सबके सेल का शेप एंड साइज क्या रहेगा सेम, इसलिए सब आइसोडायमेट्रिक है। नेक्स्ट अगर आप शेप ऑफ पैरेन्काइमा देखो, शेप ऑफ यू नहीं देखना, शेप ऑफ पैरेन्काइमा देखो, ठीक है सेल शेप नॉट मॉडिफाई, आइसो पेरान्थ होगा, क्या बोला ये कुछ नहीं समझा, जाने दो, सेम शेप एंड साइज, करेक्ट। हाय अनन्या, वेलकम टू द सेशन बच्चा। चलो नाउ कमिंग नेक्स्ट एवरीवन, भैया भाभी, भैया दीदी सब फोकस करो यार, क्या बोल रही हूँ मैं। चलो नेक्स्ट, हमने बोल दिया आइसोडायमेट्रिक, इसलिए बोला क्योंकि सबके सब सेल सेम दिखेंगे, या तो सबके सब स्फेरिकल होंगे, या सबके सब ओवल, या फिर सब राउंड, या फिर सब पॉलीगोनल, और अगर आपने उसका एलएस देखा तो इलोंगेटेड दिखेंगे। ये क्लियर, क्या दिखेंगे हमको, इलोंगेटेड। भैया एक मिस्टेक हो गई, क्या कर रहे हो इतना काहे हंस रहे हो, ठीक है गलती हो गई, भैया और दीदी बोलना था मेरे को, चलो कोई नहीं। ओके एवरीवन वी कम बैक, ओके जानवी वेलकम टू द सेशन बच्चा, डू नॉट रीड एनी ऑफ द चैट्स। ठीक है नाउ कमिंग नेक्स्ट, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम हरप्रीत कौर, बेटा व्हाट इज लिग्निन। ठीक है लिग्निन जो रहेगा दैट इज कंटेनिंग पॉलीसैक्राइड आई कैन कंसिडर। ठीक है तो इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैक्राइड या वैक्सी सब्सटेंस जो वाटर इम्परमिएबल रहेगा, इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस जो गैशियस मटेरियल को एक्सचेंज होने नहीं देगा, तो वाटर और गैशियस एक्सचेंज रुक जाएगा, देयरफॉर द सेल विल डाई। ठीक है चलो अब वापस आ जाते हैं, हमने क्या बोला नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज अगर आप कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा देखो, शेप डिट्टो सेम, स्फेरिकल उधर भी, स्फेरिकल इधर भी, ओवल उधर भी, इधर भी, पॉलीगोनल उधर भी और इधर भी, तो क्या सेम था, स्फेरिकल ओवल पॉलीगोनल, तो कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा का शेप बिल्कुल सेम, सिर्फ इतना डिफरेंस है कोलेनकाइमा थोड़ा सा छोटू है, कोलेनकाइमा इज लिटिल स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू पैरेनकाइमा, दैट इज द ओनली मेजर डिफरेंस, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली सेम। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा, इफ आई टॉक अबाउट स्क्लेरेन्काइमा व्हाट डू वी सी हियर, तो हमने बोला फुल फोकस के साथ स्क्लेरेन्काइमा में देखो दो टाइप के सेल मिलेंगे, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड, स्क्लेरेन्काइमा में कितने टाइप के सेल है, दो दो दो, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड, आई रिपीट स्क्लेरेन्काइमा कंटेन्स टू टाइप ऑफ सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्क्लेराइड, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स, आई रिपीट लंबे लंबे है, इलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड है। अभी अगर आप इमेजिन करियो कि ऐसे दिखते होंगे, तो मैं आपको ड्रॉ नहीं, मैं ड्रॉ करूंगी तो हंसोगे, बट फिर भी हमको नहीं चिंता है। अरे ये क्या हो गया, हमको नहीं चिंता है बोल के ये सच में बेकार हो गया। चलो आ जाओ बेटा, तुमको हम इरेज कर दे, आ जाओ ठीक है, चलो वापस आ जाओ भाई, ओपन। हाँ ये देखो ये है लंबे और ये है पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है सो इट इज पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स एंड इलोंगेटेड, ये होते हैं हमारे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डू नॉट लाइफ ऑन माई ड्रॉइंग, यार कितना हंसते हो मेरे ड्रॉइंग पर। नेक्स्ट
पॉलीगोनल ओवल रॉड या बोन शेप, ये तो भाई मैं बोन तो ड्रॉ ही ना करूं, अब जो हड्डी जैसा दिख जाए ठीक है, जो पॉलीगोनल हो मतलब मोर देन 3-4 साइड्स, वो होंगे स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स को एक और नाम देते, मैं लिख देती हूँ इधर ताकि आप गड़बड़ ना करो, स्टोन सेल्स। क्यों? ये पत्थर जैसे कड़क होते हैं, इट्स वेरी हार्ड लाइक अ स्टोन, देयरफॉर यू कॉल इट अ स्टोन सेल। मतलब इन पे सर पटक दो आप, सर में से खून निकल जाए, इनको कुछ ना हो, ऐसे होते हैं हमारे स्टोन सेल्स। क्लियर सिंपल? अरे फिर सब हंस रहे मेरे पे, मेरे को, मैं रो दूंगी, मैं मम्मी को कंप्लेन करूंगी, चलो सुनते नहीं है कोई मेरी, चलो कोई नहीं, मैं भी सुन रही हूँ अभी, ठीक है। नाउ एवरीवन एवरीवन, ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट? पत्थर का दिल बोलता है, अरे स्टोन सेल्स, अरे स्टोन हार्ट नहीं है, वापस आओ तुम बस। चलो अब हमने क्या बोला, देखो हमने बोला इफ आई कंसिडर इंटरसेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस केवल पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा, वो भी कंपलसरी नहीं है, मे बी प्रेजेंट। अगर पैरेन्काइमा एपिडर्मिस बनता है तो उसमें नहीं होगा इंटरसेल्यूलर स्पेस, लेकिन अगर पैरेन्काइमा वो मीजोफिल सेल बनता है या फिर कुछ और बन जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस छोड़ के कुछ और बन जाता है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस मिल जाएगा। क्लियर सिंपल? चलो नाउ एवरीवन नेक्स्ट, कोलेनकाइमा में एब्सेंट और स्क्लेरेनकाइमा में भी एब्सेंट हूं, पैरेनकाइमा इज द ओनली टिश्यू इन द प्लांट वेयर इंटरसेल्यूलर स्पेस मे बी प्रेजेंट। सिंपल सिंपल, खिचड़ी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कर दिया इरेज। फिर हमारे पास लास्ट क्या आएगा, तो हमने बोला लास्ट आएगा हमारे पास एंड दैट इज फंक्शन। अगर पैरेन्काइमा बोला मैं खाना ठूसूंगा, रे आज तो बहुत खाऊंगा, मतलब इट इज परफॉर्मिंग स्टोरेज ऑफ फूड, जो उसका मेन या प्राइमरी फंक्शन होता है। नेक्स्ट, इफ पैरेन्काइमा हैज क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस करेगा, एंड दोस पैरेन्काइमा नोन एज क्लोरेनकाइमा, जो आपको कहाँ मिलेगा, मीजोफिल ऑफ लीफ। वेयर विल यू फाइंड देम? यू विल फाइंड देम इन मीजोफिल ऑफ लीफ। अगर पैरेन्काइमा एयर स्टोर करता है, आई रिपीट, इफ पैरेन्काइमा स्टोर्स एयर इन इट, देन यू कॉल इट एज एरेन्काइमा। एरेन्काइमा इज अ पैरेन्काइमा विच स्टोर्स एयर। अरे क्या राइमिंग हो गया रे, एरेन्काइमा इज अ पैरेन्काइमा दैट स्टोर्स एयर, क्या मस्त लगता है, चलो कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर वो गम रेजिन या लैटेक्स स्टोर करता है तो क्या है, वो वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहा है, इडियट है, तो हमने बोला नहीं, इडियोब्लास्ट है, ठीक है। क्या बोल दिया आपने? इडियोब्लास्ट, ठीक है, सिंपल क्लियर। ओके सो क्या क्या किया पैरेन्काइमा ने? पैरेन्काइमा कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ मीजोफिल सेल्स यू कॉल देम एज क्लोरेनकाइमा, इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉयंसी या डेंसिटी, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एरेनकाइमा। नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर गम रेजिन या लैटेक्स स्टोर होता है, जैसे रबर लैटेक्स होता है या रेजिन होते हैं या गम होता है इन केस ऑफ गम अरेबिक प्लांट, तो ये सारे जगह पे इडियोब्लास्ट होता है विच इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, जो ये सारी चीजें स्टोर कर लेता है, प्लांट का वेस्ट है लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, सोचो। अभी नेक्स्ट, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या काम करेगा, तो हमने बोला मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन इसकी मैकेनिकल सपोर्ट स्क्लेरेनकाइमा की मैकेनिकल सपोर्ट से अलग होगा, ये होगा ज्यादा फ्लेक्सिबल, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, बेंडिंग बेंडिंग एक्शन को प्रिवेंट करने में काम करेगा, बेंडिंग एक्शन को प्रिवेंट करेगा, टेयरिंग ऑफ लीव्स को प्रिवेंट करेगा, टेयरिंग ऑफ लीव्स को भी प्रिवेंट करेगा, ये क्लियर, ठीक है। प्रज्ञा बोलती है मिस मराठी बोल दो, मिस मराठी बोलणार तर तुम्ही इकडून पळून जाणार, ठीक है, चला परत या, था रिपीट करती हूँ दीपक जी आपके लिए, ठीक है। कोलेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, मतलब ये सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, कैसे सपोर्ट देगा, तो हमने बोला फ्लेक्सिबिलिटी। सोचो तुमने वहां से जोर से ऐसा फूक मारी तो मेरा क्या हाल होगा, मैंने बोला ऐसे 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 करके मैं बेंड हो जाऊंगी, फिर जैसे तुमने फूक मारना बंद कर दिया मैं सीधी हो गई, दिस इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग एक्शन को प्रिवेंट करना, रजिस्ट करना, ऐसा नहीं कि हवा आ गया तो मैं ऐसा सीधी थी तो ऐसा टूट के नीचे गिर गई, जी नहीं, मैं ऐसे बेंड हो गई, हवा चली गई, मैं फिर वैसे की वैसी, ठीक है, दैट इज नोन एज बेंडिंग एक्शन,
सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने बोल दिया इसको हम बोलेंगे बेंडिंग एक्शन, सिंपल। अब इसी बेंडिंग एक्शन को प्रिवेंट, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देना, इलास्टिसिटी देना, ये काम कौन करेगा? कोलेनकाइमा इज गोइंग टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी, कोलेनकाइमा इज गोइंग टू गिव इलास्टिसिटी। अगर आपने पत्ते को तोड़ने की कोशिश की, यू टेयर करने की कोशिश की, आपके पास एक लीफ था, आपने लीफ लिया और यू टेयर किया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा प्रिवेंट टेयरिंग ऑफ लीव्स, सिंपल क्लियर। देखो सब भाषा बोल दी, बांग्ला में बोल दो, फारसी में बोल दो, भाई मेरे को क्या समझा है? मैं बॉटनी टीचर हूं यार, लैंग्वेज एक्सपर्ट थोड़ी ना, बॉटनी एक्सपर्ट हूँ, क्या कर रहे हो? ठीक है, ओके। नाउ एवरीवन, देखो मेरे को यूक्रेन की फूकनी आंदी चाहिए होगी, ठीक है। कौन नहीं पढ़ून जाना, फ्यूचर डॉक्टर, यू आर हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेयर वर यू? हाँ लैक्यूनर। चलो अब नेक्स्ट, काय बोल रहा है? फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। रोहित दुबे बेटा थोड़ी सी अच्छी भाषा लिख दो, कितनी तकलीफ होती है पढ़ने में पता है आपको? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन चैप्टर? 2 आवर्स, मतलब वन लेक्चर इज 2 आवर्स बेटा, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, एब्सोल्यूटली शोएब जी, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट ओनली इन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा में बिकॉज वो कॉर्नर्स पे थिक हो जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं मिलता है, स्क्लेरेनकाइमा में नहीं मिलता है, मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, यस यस रुद्र। अब लास्ट आता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा, इनका मैकेनिकल सपोर्ट कैसा होगा? तो हमने बोला एकदम तगड़ा होगा, मतलब ये जनरली देगा प्लांट को रिजिडिटी। ढीट होते ना, ढीट कुछ लोग, मतलब उनको तुम यहां से मारो वहां से मारो, हिलते नहीं एक जगह से। तुमने मारा था तो ऐसा, यहां से भी मारा वहां से भी मारा, बट वो हिला ही नहीं, हो इधर के इधर। हाँ दिस इज रिजिडिटी। ये रिजिडिटी किसकी वजह से? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। सिंपल सी भाषा है, ठीक है, सिंपल सी भाषा। इफ आई कंसिडर वो ब्राउन कलर वाला नारियल, वो नारियल के ऊपर आपको जो बाल दिखते ना, हाँ हाँ उसकी जो जुल्फे होती है, मेरी जुल्फे ऐसे की तो निकल जाती है, लेकिन उसकी एकदम मजबूत कड़क, क्यों? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से बनी है वो। फिर वो जो अंदर की बाटी होती है एकदम कड़क कड़क, वो कौन है? अरे पत्थर जैसे सेल होते हैं वो, स्टोन सेल्स, स्क्लेराइट्स, ठीक है, ठीक है। देन कमिंग नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया अब लास्ट क्या आएगा, लोकेशन, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेम्बर? लोकेशन में पैरेन्काइमा का लोकेशन जनरली एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जगह पे प्रेजेंट होता है, मेजॉरिटी टिश्यूज में पैरेन्काइमा रहेगा, तो हमारे लिए किसका लोकेशन जरूरी था? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का एक लोकेशन है जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हाइपोडर्मिस ऑफ हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम, ठीक है। हाइपोडर्मिस ऑफ हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम, मतलब वो स्टेम डाइकॉट का जो ग्रीन कलर का है, उसके हाइपोडर्मिस में कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? कोलेनकाइमा मिलेगा। कौन मिलेगा? कोलेनकाइमा, ठीक है। सेल वॉल किससे बनाती है, किससे बनती है? अरे बाप रे श्रेयांश जी, अभी अभी तो टेबल में बता दिया, ठीक है। नाउ 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 इफ आई कंसिडर स्क्लेरेनकाइमा, तो ये कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा हाइपोडर्मिस, लेकिन डिफरेंस, ये हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में मिलेगा। इसी के साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोयम इन द फॉर्म ऑफ जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोयम फाइबर्स। इसी के साथ साथ स्क्लेरेनकाइमा और क्या काम करेगा? तो हमने बोला स्क्लेरेनकाइमा एक और जगह पे प्रेजेंट होता है। अब क्या है और कहाँ मिलेगा स्क्लेरेनकाइमा? बहुत इंपॉर्टेंट, चाय पत्ती एकदम कड़क, टी लीव्स, नेक्स्ट ग्रिट ऑफ सम फ्रूट। कौन से फ्रूट? तो हमने बोला चीकू, पेयर, एप्पल, इनके ग्रीट में होता है स्क्लेरेनकाइमा, वो भी स्टोन सेल्स, सिंपल। ये क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लीव्स ऑफ ट्री, ठीक है।
पहिल्यांदा कोणी पाहत आहे, कोणी वेदांतो टीचर मराठी बोलत आहे. अरे बाबा रे, सक्षम जी वेदांतो टीचर्स महाराष्ट्र से भी है बेटा. इफ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र तो मेरे को मराठी तो थोड़ा बहुत तो आएगा ना, थोड़ा फार येत, जास्त येत नाही, पण मी थोडं फार बोलू शकते. ठीक आहे, चलो एव्हरीवन यहां तक क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर, परफेक्ट. ठीक है, चलो विद दिस. नहीं, मेरे को क्लियर नहीं बोलना था, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा. तो आई विल से एवरीथिंग इज वैनिश क्लियर. नहीं, वैनिश भी अच्छा नहीं लगेगा. चलो परफेक्ट, अब यही से हम आगे जाते हैं. ठीक है, एंड क्या दिव्या इज लाफिंग ऑन मी? ठीक है, कोई बात नहीं दिव्या, हंस लो हंस लो. हंसने से मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है, पता है ना, लाफ्टर इज मेडिसिन. तो ठीक है, चलो कोई नहीं. वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम. अब जाइलम के तीन सर्फ एक्सल क्लियर? ओके ठीक है. अब हमने क्या बोला, देखो जिनको ये भी नहीं पता है मैं कौन हूँ उनके लिए, बेटा मेरा नाम भूमिका मेहता है, मैं बॉटनी एक्सपर्ट हूँ. मैं वेदांतों में काफी टाइम से अब यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ और मुझे बॉटनी आती है बस. चलो वापस आ जाते. अब हमने क्या बोला नेक्स्ट? तो हमने बोल दिया यहां पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात हो रही है. कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कितने नाम दिए हमने जाइलम को? जाइलम के अलावा दो अलग नाम. जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वुड, इट इज ऑल्सो नोन एज हैड्रोम. आई रिपीट, जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वुड, इट इज ऑल्सो नोन एज हैड्रोम. सो अगर फिलहाल तुम्हारे सामने, ठीक है, समझे? ओके चलो अब वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ. नाउ कमिंग नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी हियर? इफ सपोज आई कंसिडर यू आर सिटिंग ऑन अ वुडन बेंच, इफ यू आर यूजिंग अ वुडन टेबल, इफ यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, तो वो सब चीजें पहले क्या थी? जाइलम, जाइलम, जाइलम. जिस जिसको आपने घर पे वुडन फर्नीचर बना के ऐसे सुलाया हुआ है ना, वो सारे फर्नीचर्स कौन है? जाइलम, दे आर जाइलम. ठीक है, कहाँ से लाए जोश, कहाँ से लाए जोश? बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई. ठीक है, आराम से. ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट. जाइलम जो होता है ना, इनके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. सबसे पहला यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा ये, और सबसे दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट देगा. किसका यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल. अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ मिस कर गई, पैरेन्काइमा का है ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको मैं रेड में लिखूंगी क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज इट? एक टाइप का पैरेन्काइमा होता है जिसको हम बोलते हैं रे पैरेन्काइमा, जो नॉर्मली हमको जाइलम फ्लोएम में मिलता है. ये लैटरल कंडक्शन करने में हेल्प करता है. ये जाइलम फ्लोएम के साथ होगा और ये लैटरल कंडक्शन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे. चलो इसी के साथ हम आ जाते हैं वापस. यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोला ना तो मेरे को याद आ गया. चलो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा. तो अभी सवाल ये था कौन से डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. तो हमने बोला नीचे से ऊपर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, एसेंट ऑफ सैप जिसको हम बोलते हैं, फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीव्स, रूट टू स्टेम टू लीव्स, रूट टू स्टेम टू लीव्स. ये क्लियर, सिंपल, परफेक्ट. देन कमिंग नेक्स्ट, बीएम रॉक्स प्लांट शॉक्स. अरे बाप रे, ठीक है, तो मेरे को बीएम बना दिया, चलो मेरे को अच्छा लग गया. नाउ कमिंग नेक्स्ट, ओ ब्लैक कॉफी. वापस आओ, वापस आओ. नीचे से ऊपर, दैट इज एसेंट ऑफ सैप. जाइलम किन चीजों से बना है? ए जाइलम रे जाइलम, बोला तू कसा बनला. तो जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ट्रकीज वेसल्स या फिर ट्रकिया, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा. आई रिपीट, जाइलम कितने टाइप के सेल्स से बना है? चार, जाइलम ट्रकीज, जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्रकिया, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? तो ये याद करना कि किसका क्या शेप है. ठीक है, सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम ट्रकीड. अगर मैं ट्रकीड की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रकीड, तो ट्रकीड के बारे में क्या याद करोगे? ठीक है, परफेक्ट. अरे बाप रे, गिव सम टिप्स टू प्रिवेंट स्लीपीनेस. ये मेरे को भी पता चले तो मैं बताऊं.
मेरे को भी बहुत नींद आती है बेटा, बट ठीक है. अब वेन यू हैव दैट ईगरनेस टू स्टडी, ईगरनेस टू डू समथिंग, तो नींद चली जाती है. फिर इतना टेंशन रहता है ना, नींद नहीं आती है फिर. चलो कोई नहीं, वापस आते हैं हम टू जाइलम ट्रकीड. जाइलम ट्रकीड को क्या, अच्छा वन मोर थिंग फॉर ऑल दोस हु हैव यू नो बहुत ज्यादा ऐसा स्क्रीन को देख के बहुत नींद आती है. यू कैन डू वन थिंग, ठीक है. अभी अब मैं तो यहाँ से ऐसा कल्टी नहीं ले सकती, लेकिन आप देखते देखते 2 सेकंड के लिए कल्टी ले सकते हो. तो ऐसा थोड़ा सा साइड में जाने का, कहाँ जाओगे, बेसन के पास, और आंख में पानी डालोगे. अब अगर ये पॉसिबल नहीं है समझो, तो एक हैंकी ले लो, हैंकी में थोड़ा ठंडा ठंडा पानी डाल दो और उसको आंखों पे रखो फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन रिमूव. ठीक है, आप सुन तो रहे थे, आपका कोई कंटेंट तो मिस नहीं होगा, बट ये जो आपने 2 सेकंड के लिए उसको ऐसा ठंडा ठंडा आंख पे रख दिया ना, आई स्वेयर क्या मस्त फीलिंग है, एंड आपके आईज को क्या मस्त रिलैक्सेशन मिलता है. ठीक है, प्लस स्लीपीनेस चला जाएगा. दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट. जिनको हैंकी नहीं समझता उनके लिए हैंकरचिफ और करचिफ, देखो मोहम्मद शोएब जी बोलते हैं आंख में कितना पानी मारो. बेटा 10-15 लीटर बस, क्या बात कर रहे हो यार, थोड़ा सा आंख में पानी तो डालना है. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग नेक्स्ट, मोहित जी जितने आपके शब्द बोल रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम में ना आप ब्लॉक होने वाले हो. चलो अब वापस आ जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, सी व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, तो बहुत से लोगों को ना आई प्रॉब्लम होता है, जैसे चश्मे वगैरह होते, मसल्स वगैरह पेन हो जाते हैं यहाँ पे, और इतनी ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाती है कि भाई आईज पेन करने लगती है, नींद आने लगती है, ऐसा लगता है बंद करके सो जाओ, बट अब पढ़ना तो है. तो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट विल हेल्प यू. ठीक है, चलो अब इससे ज्यादा तो हम कुछ ना कर पाए. हाँ जी ठीक है, चलो अब वापस आते हैं हम. ठीक है, ये देखो सोनम पाल ने बोल दिया 20-25 लीटर ले ले. चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ. सौरभ कुमार तो और ही अलग है, अब तो ऑनलाइन लेक्चर्स की आदत हो गई. दीपाली जी तमें तो एकदम मस्त चक्कास छो, एकदम कड़क. चलो जाइलम ट्रकीड के बारे में क्या याद करोगे, तो हमने बोला जाइलम ट्रकीड जो होगा ना, ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है. मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट किस में, तो हमने बोला इन केस ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इट इज मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म. ये ब्रदर गेमिंग बोलता है मैम कम बैक, आई एम ऑलरेडी हियर बच्चा, इफ आई गो मोर बैक आई फॉल ऑफ, एंड इफ आई कम मोर फ्रंट आई कम आउट ऑफ द स्क्रीन, सो आई एम एट राइट प्लेस राइट नाउ. ठीक है चलो ना भी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. व्हाट डू वी से, तो हमने बोल दिया ट्रकीज आर डेड, करेक्ट, ट्रकीज आर डेड. ये देखो ये क्या याद करोगे आप, ट्रकीज डेड, वेसल्स डेड, फाइबर्स डेड, पैरेन्काइमा लिविंग. ठीक है, ट्रकीज विच आर डेड, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, वेसल्स आर द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स में वाटर कौन कंडक्ट करेगा, वाटर कंडक्शन इज डन बाय ट्रकीज प्लस वेसल्स. वेसल्स के बदले आपने ट्रकिया लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि वेसल्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रकिया. ये क्लियर, ठीक है, परफेक्ट. नाउ कमिंग नेक्स्ट एवरीवन, व्हाट कम्स नेक्स्ट, अरे डेड पैरेन्काइमा नहीं रे, लिविंग पैरेन्काइमा काय बोल तो. हाँ अच्छा अभी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. क्या बोले हमने, तो हमने बोला यहां देखो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन टेरिडो एंड जिम्नो पूछा तो जाइलम ट्रकीड, और अगर हमने एंजियो की बात की तो इट हैज टू बी जाइलम वेसल्स. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, अगर बोला है ट्रांसवर्स वॉल परफोरेटेड है, ठीक है, क्या बोला हमको, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल वॉल पे बहुत सारे छेद है, परफोरेटेड है, परफोरेशन है, इट इज ऑल अबाउट वेसल्स. वो हमको किस में दिखेगा, वेसल्स में. यहां जगह है, हाँ यहां लिख देते. ये देखो ये जो हमारे वेसल्स है, वेसल्स इनके हॉरिजॉन्टल वॉल्स, या फिर ट्रांसवर्स वॉल ही लिखती हूं मैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो. ट्रांसवर्स वॉल्स कैसे होंगे, परफोरेटेड. ठीक है, परफोरेटेड ट्रांसवर्स वॉल्स. सिंपल, क्लियर. नेक्स्ट,
हाँ, पैरेन्काइमा इज लाइक अभी तो हम जिंदा है, करेक्ट। ये देखो अब क्या क्या याद रखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रकीड्स। वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन केस ऑफ टेरिडो एंड जिम्नो, ठीक है, प्लस एंजियो में भी वाटर कंडक्ट करेगा। बट अगर मैंने बोला वेसल्स या फिर ट्रकिया, तो ये वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है लेकिन केवल एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट, वेसल्स के ट्रांसवर्स वॉल्स, हॉरिजॉन्टल वॉल्स कैसे होंगे? तो हमने बोला ट्रांसवर्स वॉल्स में होंगे बहुत सारे छेद, परफोरेटेड, देयर सो मेनी ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स वॉल्स, इट्स हाईली परफोरेटेड। इसके बाद व्हाट कम्स नेक्स्ट? तो हमने बोला इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज वेसल्स में या ट्रकिया में ट्रकियरी एलिमेंट्स या फिर जाइलम वेसल एलिमेंट्स ये होंगे जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। मतलब वेसल मेंबर्स आर प्लेस्ड वन अबाउ द अदर। वेसल मेंबर्स जो है ना वो प्लेस्ड होंगे वन अबाउ द अदर, क्योंकि वो एक के ऊपर एक प्लेस्ड होंगे तब जाके कंटिन्यूअसली आपको क्या मिलेगा, जाइलम वेसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज इन केस ऑफ जाइलम वेसल्स इनके एंड्स हमेशा कैसे होंगे, ब्लंट एंड्स। जबकि अगर मैं ट्रकीड की बात करूं तो इनके एंड्स हमेशा कैसे होते हैं, तो हमने बोला ट्रकीड्स विल ऑलवेज हैव पॉइंटेड एंड्स। आई रिपीट, ट्रकीड्स के एंड कैसे होंगे, पॉइंटेड, क्योंकि स्पिंडल शेप होता है, लेकिन वेसल्स के एंड कैसे होते हैं, ब्लंट। परफेक्ट। यहां तक एवरीवन दिस मच इज क्लियर, ठीक है। अब लास्ट, जाइलम फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट जाइलम फाइबर्स, एवरीवन प्लीज मार्क इट। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू जाइलम फाइबर्स, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इट हैज ऑब्लिटरेटेड सेल वॉल। ऑब्लिटरेटेड सेल वॉल, इट हैज ऑब्लिटरेटेड सेल वॉल, क्लियर। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, यस। कैन आई कॉल देम एज वुड फाइबर्स, यस। कैन आई कॉल देम एज हेड्रोम फाइबर्स, यस। प्रतीक जैन, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, बाद में करेंगे, वापस आ जाओ, व्हाट्सएप बाद में पूछ लेंगे, पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है। चलो एवरीवन एवरीवन, ऑब्लिटरेटेड सेल वॉल मतलब सेल वॉल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व ताकि वो एक कंटिन्यूस कॉलम बन सके, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है सबको? परफेक्ट। चलो शांतनु इज ऑल्सो रिप्लाइंग, मतलब शांतनु की पढ़ाई अच्छे से चल रही है, ठीक है। ऑब्लिटरेटेड वॉल का मतलब होता है डिसॉल्व्ड सेल वॉल, जो ट्रांसवर्स वॉल होते हैं ना वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं ताकि वो एक कंटिन्यूस चैनल बन सके, उसको हम बोलते हैं जाइलम फाइबर्स, ठीक है। परफेक्ट। ब्लंट एंड्स का क्या मतलब होता है ये भी मैं बता दूं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ है? ओके, चलो लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय। राहुल जाधव जी, हमको हिंदी आती है, काहे नहीं आती है, इतना हिंदी में बोलते हैं और आप बोलते हो हिंदी नहीं आती है। ये देखो, अगर आप जाइलम वेसल्स के इमेज देखो तो ऐसे दिखेंगे आपको जाइलम वेसल्स, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स, सॉरी, सो सॉरी। नेक्स्ट, क्लियर, ठीक है बेटा। आपके 5% बैटरी में मेरी सेशन खत्म हो जानी है, आई स्वेयर, ठीक है। अच्छा, चार्ज पे लगा दो, ये भी सही बात है। ओके, अब ये देखो, अगर आप ट्रकीड देखोगे, ट्रकीड ये वेसल्स है। ट्रकीड कैसा होता है? ट्रकीड ऐसा होता है,
इतने सारे छेद 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 होते हैं इसमें, और ये होते हैं पॉइंटेड एंड्स, या फिर आप बोलो टेपरिंग एंड्स। ऐसा नहीं था कि ये चाकू जैसा है चुभ जाएगा, बट पॉइंटेड है या टेपरिंग है। ठीक है, ये देखो डैडी मीम ने मेरे को कोरोना पॉजिटिव बना दिया। बेटा पीसीआर टेस्ट क्या करने रखे हो, दूध की टेस्टिंग करने रखे हो एडल्टरेशन की। चलो वापस आ जाओ। गोस्वामी जी, जी नहीं, ऐसा हमको डायग्राम करके नीट में पूछा नहीं जाता है जनरली, लेकिन 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 अगर ये डिस्क्रिप्शन में दिया तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या दिखता है। ठीक है, चलो। परफोरेशन विद टेपरिंग एंड्स इज ट्रकेट, परफोरेशन विद ब्लंट एंड्स स्पेशली ट्रांसवर्स वॉल, यहाँ जो छेद होते हैं ना ट्रांसवर्स वॉल परफोरेशन, ये आपको दिखता है जाइलम वेसल्स में। ठीक है, सिंपल। अरे क्या बात है राजेंद्र जी, आई स्वेयर सो मच ऑफ लव टू यू। उन्होंने मेरे को बोला आप ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हो, मतलब सच्ची बेटा, आई स्वेयर आज तक मेरी ड्राइंग टीचर ने मेरे को ऐसा नहीं बोला है। चलो अब इसी के साथ वी कम नेक्स्ट। मलयालम में पढ़ा हो राहुल जी, आपको मलयाली आती है, थोड़ा सा लिख के बताओ। अरे बाप रे, चलो देखो डैडी मीम बोलता है मैम ने स्नीज कर दी, हमने मास्क पहन लिया। ये भी सही है बेटा, करेक्ट शांतनु, क्या बात है शांतनु, एकदम मस्त पढ़ के आया है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। चलो हाँ, चिंपले से वापस आते हैं हम, और चिंपले से हम कहाँ जाते हैं, सेशन और कितनी देर चलेगा। ठीक है, वो पक्का झूठ बोल रहा है विनीता। अच्छा सेशन और कितनी देर चलेगा बेटा, हमको फ्लोएम खत्म करना है और दो टाइप के टिश्यू सिस्टम है, मतलब यू कैन कंसिडर 10-12 मिनट्स। ठीक है, चलो यहां से वापस आते हैं। ठीक है, अब मैं कौन सा कॉलेज दे दूं तुमको, कॉलेज दे दूं मतलब गिफ्ट करना है क्या, वापस आओ जरा वापस आओ। चलो एवरीवन, कितना पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, पल्ले ही नहीं पड़ता है मैम, एनाटॉमी पल्ले नहीं पड़ता है। दिनेश जी थोड़ा सा सेशन सुन लो बेटा, सब पल्ले पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये देखो, व्हाट डू वी मीन बाय फ्लोयम, फ्लोयम इज नोन एज, अरे फ्लोयम का एक और नाम गायब हो गया, कोई बात नहीं, फ्लोयम को हमने तीन नाम दिए, फ्लोयम, ओ बास्ट, ओ लेप्टो। फ्लोयम, बास्ट एंड लेप्टोम, दीज आर थ्री ऑल्टरनेट नेम्स गिवन टू फ्लोयम। फ्लोयम में कितने टाइप के सेल्स, तो हमने बोला फोर, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोयम पैरेन्काइमा एंड फ्लोयम फाइबर्स। इफ आई कंसिडर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, अच्छा इसमें से पहले ये बता दूं, वन टू एंड थ्री आर लिविंग। फ्लोयम फाइबर्स ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स आर डेड। आई रिपीट, ठीक है आई रिपीट, ये बहुत अच्छे से याद रखोगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। भाई एमसीक्यू का स्टार मार्क भी क्या हो गया, ये फिसलन, हाथों में फिसलन है। ये देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये कई बार आता है, फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज, तो आंसर क्या आएगा, बास्ट फाइबर्स। अच्छा इसमें क्या क्या याद करोगे, तो याद तो ये करना है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स विल हैव सीव ट्यूब, और ये रहेंगे सीव प्लेट, इसको हमने क्या बोल दिया, सीव प्लेट, अरे प्लांट नहीं रे, प्लेट प्लेट, सीव प्लेट। ठीक है, सो सीव ट्यूब रहेगा सेल्स के दोनों भी एंड पे, दोनों हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स एंड पे, व्हाट यू विल हैव इज सीव प्लेट, इट विल मेक इट कंटिन्यूस, उसको कंटिन्यूस बनाया जाएगा, ताकि ताकि और ताकि ताकि फूड आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओवर हियर, व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द साइटोप्लाज्म इज इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, द साइटोप्लाज्म इज इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, और ये ऐसे 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 दिखेगा आपको साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आपके सामने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आप देख लो, उसमें आपको दिख जाएगा सीव ट्यूब, जहां भी ड्रॉ किया ना उसमें ऐसा ऐसा लाइन्स दिखेगा। ठीक है, व्हाट आर दीज लाइंस, दीज लाइंस इंडिकेट साइटोप्लाज्म, दे आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, परफेक्ट क्लियर। नेक्स्ट, सीव ट्यूब इज ऑलवेज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कंपेनियन सेल्स,
भाई तू ही मेरा साथ देगा. सेम ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स कम फ्रॉम और अराइज फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम. दे अराइज फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम, देयरफॉर दे आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर. कंपेनियन सेल के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा. काहे इतना बड़ा न्यूक्लियस? तो हमने बोला इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ इटसेल्फ एज वेल एज सीव ट्यूब. और उसके साथ साथ ये देखो आपको दिख रहा है क्या है ये, यहां पर भी दिखेगा आपको क्या है ये. दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन या पिट. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को बातें कर, अरे तुझे पता आज क्या हुआ, ऐसा बातें करने में हेल्प करता है. तो सीव ट्यूब बोलते हैं अरे मुझे खाना ट्रांसपोर्ट करना है यार, प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है. तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस फटाफट प्रोटीन बनाता है और उसको प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू भेजते हैं, ले ले मेरे पास है, ले ले. ऐसे करके कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, होल्ड करेगा. एंड कंट्रोल या होल्ड करने के लिए इनके सारे केमिकल सिग्नलिंग कहां से होने वाले, फ्रॉम द प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट. ओके, देयर इज समवन हु सो सेड आई हैव डाउट. रितेश, व्हाट एवर इज योर डाउट बच्चा, प्लीज राइट डाउन, आई विल सॉल्व इट. ठीक है, ये तो चुगली करता है, ये तो चुगली करेगा बेटा, आप ही की तरह से सीखा ये डैडी मीन. ठीक है, ये देखो विशाल को मेरे को भोजपुरी बुलवाना है. अरे बेटा तुम क्या कर क्या रहे हो. ठीक है, अब नेक्स्ट. तो हमने बोला व्हाट कम्स नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल जिसका क्या काम. तो हमने बोला इसका ये काम कि ये मोनोकॉट्स में नहीं होता है. मोनोकॉट्स में एब्सेंट. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. क्लियर, सिंपल. नेक्स्ट, डॉक्टर नितेश वेट बच्चा, वी आर अबाउट टू एंड. ठीक है, नाउ एवरीवन व्हाट कम्स नेक्स्ट. नेक्स्ट, कब से आप लिख रहे हो शांतनु, क्या लिख रहे हो बेटा. मैंने आपका देखा था वो फाइबर्स के आपने दो टाइप बताए थे, उससे पहले आपने कुछ लिखा था. चलो कोई नहीं, अरे डैडी मीम पे कोई नहीं हंसेगा बेटा, अच्छा खासा भोला भला बच्चा है हमारा. ठीक है, डैडी मीम मैंने बोल दिया बस. ठीक है, हाँ, अब मोनोकॉट में क्या एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा. मोनोकॉट को फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलता है, मैं ना आऊं ऐसा करके एब्सेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. लास्ट, फ्लोएम फाइबर्स में क्या याद करोगे, तो फ्लोएम फाइबर्स में केवल एक चीज है जो आपको याद करने लायक है, एंड दैट इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रफ क्लॉथ्स. ठीक है, वो जो मम्मी बोलती है ना कुछ साफ करना होता है, तो बेटा गंदा कपड़ा दे, तो गंदा कपड़ा किससे बना है, फ्लोएम फाइबर्स से. किससे, कौन से प्लांट के फ्लोएम फाइबर्स से, जूट ना बोलो तो, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, इनके फ्लोएम फाइबर्स यूज होते हैं वो गंदा कपड़ा बनाने के लिए. ठीक है, सिंपल, परफेक्ट. ठीक है, कंफ्यूजन बहुत है जिंदगी में बेटा, जिंदगी कंफ्यूजन से ना भरी हो तो क्या ही जिंदगी हो. ठीक है, चलो, सफाई करने के लिए गंदा कपड़ा कौन लेता है बताओ. अगर कपड़ा ही गंदा है तो सफाई कैसे होगी, वो तो और गंदगी करेगा ना, लेकिन मम्मी को कौन समझाए. चलो, नाउ कमिंग नेक्स्ट. शांतनु सुपरबली राइट, इट स्टोर्स फूड मटेरियल्स लाइक रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज एंड रेडियल. रेडिकल नहीं बेटा, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड. रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड भी करेगा, स्टोर करेगा वेस्ट मटेरियल्स. एंड फ्लोएम फाइबर्स ऑफ रफ क्लॉथ को हम क्या बोलेंगे भाई, ये यूज होगा, सॉरी, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स या हेम्प को क्या बोलेंगे, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रफ क्लॉथ एंड रोप. रोप, सिंपल. सेव ट्यूब्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट. विनीता, ये जो सीव ट्यूब होता है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज इन्यूक्लिएटेड बट जिंदा है. ठीक है, अच्छा वो गंदा नहीं होता, यूजलेस होता है, फिर ठीक है, फिर ठीक है. आई रिपीट, हमने क्या बोला,
अच्छा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। याद रख लो, याद रख लो, क्या याद करोगे? सीव ट्यूब इज नॉट हैविंग न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड होता है जस्ट लाइक आर आरबीसी, बट जिंदा है, काम करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। चलो देखो उसको, पंचायत कौन बोल रहा है? बेटा दिव्या, मैं घर पर रहती हूँ, मेरे आसपास इंसान रहते हैं और मेरे आसपास के इंसान बात करते हैं। चलो नाउ कमिंग नेक्स्ट, सॉल्व सोल्यूशन बना लो। देखो तुम दे दे के भी क्या दे रहे हो, नमकीन चीज है। चलो वापस आओ। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट। हाँ, इन फ्लावरिंग प्लांट्स व्हाट आर द मेन वाटर, मैं इसी पे आने वाली थी बेटा। लास्ट पार्ट टू रिमेम्बर, अगर आपके पास है टेरिडोफाइट, अगर आपके पास है जिम्नोस्पर्म, तो ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में फूड कंडक्शन कौन करेगा? तो हमने बोला फूड कंडक्शन करने के लिए इनके पास रहेंगे सीव ट्यूब्स। जी नहीं, सीव सेल्स। याद करना, यहाँ पर सीव ट्यूब नहीं आएगा। आई रिपीट, सीव ट्यूब नहीं आएगा। क्या आएगा? सीव सेल्स प्लस कंपेनियन सेल नाजीना, एल्ब्यूमिनस सेल। क्या आएगा? एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल रहेगा, कंपेनियन सेल नहीं होगा और सीव ट्यूब भी नहीं होगा। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने क्या बोला? ओके, फिर हमने क्या बोला? तो हमने बोला इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? तो हमने बोला इसके बाद हमारे पास आएगा फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में फूड कंडक्शन कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा फूड कंडक्शन, कौन करेगा? तो हमने बोला सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर बात करी जाए रेडियल कंडक्शन की, तो वो होगा हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब सिंपल, क्लियर, सबको यहां तक क्लियर हुआ है? यस और नो? करेक्ट बेटा, रो में नहीं होते, एक के ऊपर एक नहीं होते, इसलिए उनको सीव ट्यूब नहीं बोल सकते, उनको सीव सेल बोलते, इंडिविजुअल सेल्स होते। ओके, हाय जसकरन, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड बच्चा। यू आर नॉट कमिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। आई कैन सी यू, आई कैन सी डैनियल, आई कैन सी हमजा, पता नहीं कहाँ है ये सब। टूई टूई रस्टी, ठीक है, ओके। नोवा, लेट्स एंजॉय वी ऑल, नो मैटर, ओके। नोवा, आपको क्या रिपीट करके चाहिए ये भी बता दो। एंजियोस्पर्म वाला रिपीट कर दू? एंजियोस्पर्म में दे विल हैव सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। लास्ट स्लाइड तो डिलीट हो गया गोस्वामी जी, जो मैंने लिखा था वो ना। आई रिपीट, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? इट हैज टू बी सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अच्छा, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म? गोपाल, उसका आंसर तो वो आता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है सौरभ जी, मेंटी क्विज जल्दी हो रहा है, संडे हो रहा है, संडे, ठीक है, संडे को आने वाला है, मेंटी क्विज इज गोइंग टू कम ऑन संडे। ठीक है, चलो इसी के साथ। हाँ दिव्या है जो रोज आती है, देखो परफेक्ट। ठीक है, कल पूछू, पढ़कर आएंगे, क्या बात है। अच्छा, डैनियल का नाम नहीं लू? आपकी दोस्त कैसी है वो? आप किसकी बात कर रहे हो जसकरण जी? हाँ दीपाली रोज आती है, रुद्र रोज आता है। देखो रुद्र ने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा। क्यों बेटा, आप क्यों नहीं आओगे ये बताइए? आप नहीं आओगे फिर मैं ये बोलूंगी रुद्र आता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। चलो स्वस्तिका लेट हो गई, बुक रेनबो से कम नहीं दिख रही है। ठीक है अंकिता जी, जस्ट कंप्लीटिंग, जस्ट कंप्लीटिंग, ओके। अनुश्री इज ऑल्सो लेट, कोई बात नहीं। चलो ये, वॉट आर द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, तो हमने बोल दिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा। एपिडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, अब अगर ये रूट है तो ये ऐसा ही होगा, बट अगर ये स्टेम एंड लीव्स है तो इस पे वैक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्टोमेटा है तो स्टोमेटा इज एन ओपनिंग, स्टोमेटा के आसपास क्या होंगे? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अगर मोनोकॉट में है
तो वो होगा डम्बल शेप, और अगर डाइकॉट में है तो वो होगा बीन शेप। ये क्लियर? देखो रस्टी बोलता है मैं नहीं आऊंगा तो शैतानी कौन करेगा, ये भी सही है। चलो अब वापस आ जाओ। ठीक है शांतनु जी, हाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा में प्लाज्मोडेस्माटा रहेगा। ठीक है चलो बेटा, कोई बात नहीं, खांसी नहीं रुक रही है ना, तो आप एक आयुर्वेदिक सिरप आता है वो पी लो, उसको हम बोलते हैं स्वासरी। ठीक है दिव्या कांति, स्वासरी, इट्स वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है हम आते हैं पर जाते नहीं है, क्या बात है प्रियांश जी। चलो अब एपिडर्मिस में क्या बोल दिया, ये पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, कॉम्पैक्टली पैक होंगे, कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, जनरली आपको एक सिंगल लेयर दिखेगा। नेक्स्ट ग्रीन प्लांट्स के जो ग्रीन वाले पार्ट्स होते हैं उसमें वैक्सिक्यूटिकल होगा, रूट के एपिडर्मिस में वैक्सिक्यूटिकल नहीं होगा। उसके बाद एपिडर्मिस में कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, इसलिए एपिडर्मिस जनरली व्हाइट या कलरलेस होते हैं। इसी के साथ साथ हमने बोल दिया अगर आप स्टोमेटा देखते हो तो स्टोमेटल अपैरेटस डाइकॉट का देखोगे तो किडनी शेप स्टोमेटा दिखेगा, मोनोकॉट का देखोगे तो डम्बल शेप स्टोमेटा दिखेगा। स्टोमेटा के आसपास के जो दो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, जिनका इनर वॉल मोटा होगा बिकॉज ऑफ यू नो वो रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, और आउटर वॉल पतला होगा। इसके आसपास सब्सिडियरी सेल्स मिलेंगे आपको, किसके आसपास, गार्ड सेल्स के आसपास आपको मिलेंगे सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स के आसपास आपको मिलेंगे एपिडर्मल सेल्स। ठीक है सिंपल। नाउ कमिंग नेक्स्ट, फिर हमने क्या बोल दिया, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स आर सब्सिडरी सेल्स, हाँ सब्सिडरी सेल्स चलेगा। आई रिपीट हमने क्या क्या बोला, ठीक है हमने ये बोला गोपाल जी, आप ये पूछ रहे हो लीफ को देख के कैसे पता चलेगा डाइकॉट है या मोनोकॉट, देन द आंसर इज रेटिकुलेट विनेशन दिख गया तो डाइकॉट, पैरेलल विनेशन दिख गया तो मोनोकॉट। ठीक है ठीक है चलो एवरी वन, वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा, और हमको क्या दिखा स्टोमेटा इन डाइकॉट्स में, क्या क्या याद करोगे, डम्बल शेप रहेगा नहीं किडनी शेप रहेगा, मोनोकॉट में डम्बल शेप, दोनों भी केस में गार्ड सेल का इनर वॉल थिक होगा आउटर वॉल थिन होगा। इनर वॉल मोटा क्यों था, क्योंकि रेडियली अरेंज सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो सकता है और उसको वो क्रेसेंट मून वाला शेप मिल सकता है। गार्ड सेल्स के आसपास के सेल्स को क्या बोलोगे, सब्सिडियरी सेल्स विच आर मॉडिफाइड मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, सिंपल। चलो नाउ कमिंग नेक्स्ट, फिर हमने बोल दिया नेक्स्ट क्या आएगा, ट्राइकोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइकोम, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्राइकोम यूनिसेल्यूलर नहीं होता है, वो मल्टी सेल्यूलर रहेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइकोम केवल डाइकॉट स्टेम पे मिलेगा। आई रिपीट, ट्राइकोम केवल डाइकॉट स्टेम पे मिलेगा, मोनोकॉट में ट्राइकोम नहीं मिलता है। ट्राइकोम की वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम 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 कम, ट्राइकोम रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, रूट हेयर और ट्राइकोम का बेसिक डिफरेंस, रूट हेयर यूनिसेल्यूलर, ट्राइकोम मल्टीसेल्यूलर। रूट हेयर जनरली अनब्रांच्ड होगा, ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच्ड होगा, लेकिन ट्राइकोम ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकता है। रूट हेयर वाटर अब्सॉर्ब करेगा, ट्राइकोम वाटर को रिलीज करने से बचाएगा। ठीक है क्लियर ओके। फिर हमने बोला नेक्स्ट, रूट हेयर के बाद क्या आएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसमें आएगा जाइलम एंड फ्लोएम, दो टाइप के अरेंजमेंट, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट में भी दो, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल, कोलैटरल में भी दो, ओपन एंड क्लोज, और बाइकोलैटरल में ऑलवेज ओपन। अब ये क्या होता है, ये देखो, इफ यू सी हियर, ये वाले इमेज को देखो, इधर तो देखो उधर तो देखो, क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल, सर्कल के अंदर वो बहुत सारे रेड रेड कलर के कुछ तो गोले दिख रहे हैं आपको यहां पर, अरे मेरे को मार्कर ही नहीं दिख रहा, कहाँ गया, ठीक है ये रहा, हाँ ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये वाला, ये कौन है, ये जाइलम है। ठीक है ये कौन है, दिस इज जाइलम,
इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जाइलम। तो वो जो रेड वाले हैं उसको हमने क्या बोल दिया, जाइलम। ये जो आपको दिख रहे हैं ना ब्लू कलर के, इनको हम बोलेंगे फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम कैसे थे, तो हमने बोला सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ कर लू ना तो एक ही रेडियस में दोनों नहीं आएंगे। मतलब इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, जैसे यहां देखो, अगर ये मेरे पास सेंटर है और मैंने सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ किया, अरे भैया वाइट वाइट, सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ की तो या तो जाइलम आएगा या फिर फ्लोएम आएगा, दोनों नहीं आएगा। सो क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आगे पीछे नहीं थे, ऊपर नीचे नहीं थे, बाजू बाजू में थे, हमने इस अरेंजमेंट को क्या बोल दिया, रेडियल अरेंजमेंट। बचपन में जो खेले थे ना आप, रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, वही वाला है कुछ ये, ठीक है। सो दैट इज नोन एज रेडियल अरेंजमेंट। क्लियर? हशीश में ट्राइकोम होता है, मैंने तो नहीं देखा। ओके चलो नेक्स्ट। फिर हमने बोला रेडियल का मतलब क्या रहेगा, दे विल हैव जाइलम एंड फ्लोएम विल हैव डिफरेंट डायमीटर, डिफरेंट डायमीटर। अगर डायमीटर सेम है मतलब, तो हमने बोला देखो अगर मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ की और वो सेंटर से जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में आ गया, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में आ गया, तब जाके हमने बोल दिया दिस इज कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड ओपन। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम इज इनसाइड, फ्लोएम इज आउटसाइड। कोलैटरल का मतलब होता है, तो हमने बोला, अच्छा एक मिनट कुछ तो गड़बड़ करती है। ये देखो अगर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन सेम रेडियस तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कोलैटरल का मतलब होता है जाइलम इज इनसाइड, फ्लोएम इज आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल। ओपन, केम्बियम इज प्रेजेंट। ये क्लियर? अच्छा कैनबीज में ट्राइकोम होती है, ठीक है। ठीक है, सो आई रिपीट, हमने क्या बोला, हमने बोला, मेरे को कन्नड़ा नहीं आता बेटा, चलो वापस आओ इधर, ठीक है। अच्छा ठीक है रस्टी, ओके बाय। अब क्या बोला, देखो हमने कोलैटरल है मतलब जाइलम अंदर है फ्लोएम बाहर है, यहां पर भी देखो सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या था, कैम्बियम नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, क्लोज। सीसीओ कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन किस में दिखेगा, डाइकॉट स्टेम। सीसीसी कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज किस में दिखेगा, मोनोकॉट स्टेम। यहां तक सबको समझे, एवरी वन दिस मच इज क्लियर, परफेक्ट। ओके अभी इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्या बोला, हमने बोला कॉन्जॉइंट एंड बाइकोलैटरल। बाइकोलैटरल का क्या मतलब होता है, कॉन्जॉइंट मतलब एक ही रेडियस में है, एक ही रेडियस में जाइलम एंड फ्लोएम, तो हमने बोल दिया कॉन्जॉइंट। बाइकोलैटरल मतलब जाइलम इज इनसाइड ऑल्सो, सॉरी जाइलम इज इन द मिडल, जाइलम मिडल में है, फ्लोएम अंदर भी है, फ्लोएम बाहर भी है, अंदर भी फ्लोएम बाहर भी फ्लोएम, बीच में फंसा जाइलम, बाइकोलैटरल। ये हमेशा क्या रहेगा, ओपन, और ये हमको किस में दिखेगा, ऑलवेज ओपन। किस में दिखेगा, हमारा फेवरेट प्लांट कुकुरबिटा, कुकुरबिटा और सोलनेसिए सोलानम आलू, सोलनेसिए सोलानम आलू, तो कुकुरबिटा में मिलेगा हमको और सोलनेसिए में मिलेगा। ये क्लियर? सिंपल? परफेक्ट। चलो अब इसी के साथ व्हाट कम्स नेक्स्ट,
तो हमने बोला सोलेनम ट्यूबरोजम मंगल दुबे, सही बोले है, एकदम सही पकड़े। अब हमने बोल दिया कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको फिर भी याद करना है तो मैं बता दूं, जब जाइलम सेंटर में होगा जैसे आपको यहां दिख रहा है तो आप उसको बोलते हो हाइड्रोसेंट्रिक, जब फ्लोयम सेंटर में होता है जैसे आपको यहां दिख रहा है तो आप उसको बोलते हो लेप्टोसेंट्रिक। सिंपल, क्लियर? आई रिपीट, अगर जाइलम सेंटर में है यू कॉल इट एज हाइड्रोसेंट्रिक, अगर फ्लोयम सेंटर में है यू कॉल इट एज लेप्टोसेंट्रिक। आई रिपीट, जाइलम सेंटर में है हाइड्रोसेंट्रिक, फ्लोयम सेंटर में है लेप्टोसेंट्रिक। परफेक्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट। केमिस्ट्री क्लास बेटा 4:30 बजे शुरू हो रही है, 4 बजने तो 2, ठीक है? ये मेरा फोन पीछे चल रहा है क्या टाइम दिखाने में? नहीं ना। ओके, नाउ इसी चिंपले के साथ हम आ जाते हैं, एंड थैंक यू पारस। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा? तो हमने बोला ग्राउंड टिश्यू में देखो कॉर्टेक्स आएगा, पित्त आएगा, हाइपोडर्मिस आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, मेड्यूलर रेज आएगा, भैया सब कुछ आएगा एपिडर्मिस छोड़कर, ठीक है? एपिडर्मिस नहीं आएगा, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोयम या वैस्कुलर बंडल बोल लो नहीं आएगा। एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू छोड़ के सब कुछ आएगा इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये क्लियर? सब कुछ सस्ता। अब इसी के साथ, इसी सस्ते के साथ हमने क्या बोला? देखो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है बच्चा लोग, मैंने बताया था मैं आपको फीस बताने वाली हूँ, क्रैश कोर्स की फीस है 10,000 रुपीज। लेकिन 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 व्हेन यू अप्लाई द कूपन कोड BMCC, आई रिपीट, क्या कूपन कोड लगा रहे हो आप? BMCC, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपीज। आई रिपीट, तब जाके आपकी फीस कितनी होगी? 6,000 रुपीज। देखो सुनिए, जैसे यहां पर आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, मैं बात करूंगी, थोड़ा टाइम पास होगा, इनकेस ऑफ नीट क्रैश कोर्स जो आपका पेड क्रैश कोर्स है, इस पेड क्रैश कोर्स में आपको कोई भी टाइम पास नहीं होने वाला है, टीचर आएगी, पढ़ाएगी और जाएगी, प्लस अगर आपके डाउट्स है तो वो सॉल्व होंगे। जब तक आप क्लासरूम के अंदर हो तब तक क्लास टीचर और मास्टर टीचर आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आपके क्लासरूम खत्म होने के बाद, लाइव सेशन खत्म होने के बाद या पहले, डाउट एक्सपर्ट्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको घर बैठे पढ़ाने मिल रहे हैं। यार क्या 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 फायदा है, आई मीन क्या नहीं फायदा है ये बताओ, क्या नुकसान है आपका? इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आप बोल रही हूँ कि 6,000 आपको महंगे लग रहे हैं, ठीक है, आप ये देखो 120 सेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, 11th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, आप कट डाउन कर लो एक दिन पे कितने सेशन हो रहे हैं, 2 सेशन, क्या ही फीस पड़ेगा एक सेशन में। उसके साथ आपको 2,500 का 10 फुल टेस्ट और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट आपको फ्री मिल रहा है, ठीक है? वो 2,500 है उसकी कीमत जो आपको फ्री मिल रही है, ताकि आप एकदम एग्जाम रेडी हो सको। हम ऐसा नहीं है कि आओ पढ़ो और निकलो, हमने आपका टेस्टिंग भी रखा है, आप कम से कम 20 टेस्ट दे रहे हो नीट देने से पहले, सोचो। प्लस आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स दिखा रहे हैं आप, ताकि आप अच्छे से उसको याद रख सको। आपको चीट नोट्स मिलेंगे, निमोनिक्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगा बच्चा, ये जो है ना ये और कहीं नहीं होता है। अनलिमिटेड डाउट्स विद द हेल्प ऑफ डाउट एक्सपर्ट्स 8 AM से 11 PM, ये और कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है? और एक टू वे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं वेव। वेव वेदांतु का खुद का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, जो आप वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद एक्सपीरियंस कर सकते हो। 19 जुलाई मतलब मंडे से बैच शुरू हो रहा है, आई रिपीट 19 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। BMCC आपका कूपन कोड है, डू नॉट फर्गेट टू एनरोल योर सेल्फ, ठीक है? उषा मैम थैंक यू सो मच फॉर प्रिपेयरिंग दी स्लाइड्स, थैंक यू रियली सो मच। एंड बचा लोग इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हाँ मेरे को बाय बोल के जाना, ऐसे नहीं चले जाना, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, और इसके साथ साथ जो आज पढ़ा है वो रिवाइज करना। मैं बता रही हूँ संडे को वी आर गोइंग टू हैव मेंटी, और अभी कहीं नहीं जाना, फटाफट से हाफ एन आवर का ब्रेक लो और वापस आ जाओ, क्योंकि यूपी सर हमारा केमिस्ट्री लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो यूपी सर के साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ सब लोग फटाफट से, कितने बजे? 4:30 बजे। चलो आओ जो, बाय, टेक केयर, थैंक यू। आज का सेशन समझ में आया तो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखना कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? यस गोस्वामी जी, आपको ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड में मिलेगा, एब्सोल्यूटली यस। और हाँ,
थैंक यू विनीता, तुम्हें पण काळजी घ्या. और जो लोग क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपके सारे सेशंस रिकॉर्डेड होंगे, आपको जब चाहिए तब रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हो. ठीक है, ठीक है, सिंपल. चलो, सी यू ऑल टुमारो बच्चा लोग. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. एंड इन केस यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन क्रैश कोर्स, प्लीज राइट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल आंसर पक्का वाला. ठीक है, और डाउट्स होंगे वो भी आप लिख दो, मैं वो भी आंसर कर दूंगी. ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच, मच मोर लव टू यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है बच्चा लोग, भर दो भर दो, फटाफट भर दो. ठीक है, बाय बाय बच्चा, बाय बाय.